वेलकम टू शुक्ला सुक्लाइडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुप्रतीक्षित यह लेक्चर जो कि आप लोगों ने बहुत देर से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे आप लोग और सोच रहे थे कि कब जो है इसकी पूरी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत तो होगी तो उस इंतजार को पूरा करने के लिए लेक्चर आप लोगों के समक्ष आ चुका है अब इसको देखेंगे और बड़े ही आसानी से इसमें जो जितने सारे आनंद जितने सारे वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है इन सभी वियोग को बस आपको अपने ऊपर लेके इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही वियोग है और इस वियोग का वर्णन जो है मेरे मुखार बिंदों से आप सुनेंगे और आपके जो कर्ण होंगे सुख का सुख की अनुभूति करेंगे और एक प्रकार से अगर आप कभी वियोगावस्था में गए होंगे तो आपको वह अवश्य याद आएगा चलिए हम बात करते हैं आधुनिक अवधि काव्य के जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के एक कवि माने जाते हैं जिनका नाम है शेख निसार शेख निसार जी ने एक कृति लिखी है यूसुफ जुलेखा की कृति वैसे यूसुफ जुलेखा जो है इनकी प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थानों पर लिखी है लेकिन उनमें से सबका मुझे नहीं मतलब है क्या करेंगे दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ हैं लेकिन उस प्रेम कहानी से हमको मतलब होता है जो कि हमारे सिलेबस में संकलित होती है तो आपके सिलेबस में सीख निसारकृत जो यूसुफ जुलेखा लेखा है यह संकलित है और ध्यान रखेंगे यह बात कि पूरा यूसुफ जुलेखा आपके पाठ्यक्रम में नहीं संकलित है आपके पाठ्यक्रम में केवल जो है उन्नीसमा खंड उसका संकलित है जिसका नाम है सठ ऋतु वर्णन सठ ऋतु वर्णन का मतलब क्या होता है कि छह ऋतुएं होती हैं इन्हीं छह ऋतुओं में इसका वर्णन किया मतलब छह ऋतुओं का वर्णन इन पंक्तियों में किया जाएगा उन्नीसमा खंड है ऋतुओं का वर्णन जब किया जाता है जब किसी मान लेते हैं इस समय वर्णन करने का मतलब जैसे आप लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पढ़ी होगी बी फर्स्ट ईयर में शायद उसमें आपने पढ़ा होगा बारह मासा जिसमें नागमती का वियोग वर्णन है इसी प्रकार से इसमें जुलेखा का वियोग वर्णन है इसका जो पति यानी जो जुले यूसुफ होता है या इसके पास नहीं रहता है और उस समय ये छह ऋतुओं का वर्णन करती है छह ऋतुओं में इसके शरीर में किस किस प्रकार की ब्याधाएँ आती हैं किस प्रकार से अपने जो है वो अपने बदन को अपने तन को बिरा अग्नि में जलाती है उन सभी मुद्दों पर वो वो देखती मतलब ये कभी देखता है कि छह ऋतुएं होती हैं उन छह ऋतुओं में अलग अलग ऋतुओं में उसके शरीर पर अलग अलग प्रभाव जो पड़ते हैं उसी को साहित्यिक कलम प्रदान करी है और उसी के बारे में हमको कुल मिलाकर के चर्चा करनी है उपायुक्त अगर मैं बताना चाहूँ आप लोग को कुल मिला करके तो इसमें एक प्रकार से विराह वर्णन ही है आपके पाठ्यक्रम में संकलित तो मतलब इसमें सठ ऋतु वर्णन जो है यह विराह वर्णन है अर्थात तो इसका जो लेखा का जो पति है यानी जो यूसुफ़ है वह उसके पास नहीं है उस अवस्था में जब बसंत लगता है जब शिशिर ऋतु आती है जब हेमंत ऋतु आती है जब उसके बाद में इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है तो किस प्रकार से उसके जो है शरीर में जो है उसके शरीर किस प्रकार से जल रहा है किस प्रकार से उसके शरीर के रिएक्शन आ रहे हैं उन सारे मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है शेख निसार जी ने इसको लिखा है उसी को हम विस्तार से अपनी भाषा में एकदम से आपकी अपनी भाषा में समझेंगे एकदम सरल भाषा होगी कोई मुद्दा ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आएगा एक एक बातों को आपके हृदय तक पहुँचा दूंगा ये बात जो है आप लोग ध्यान से रखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एक बात मेरी सुन लीजिए हालांकि प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में ऐसा नहीं कि सिख निसार जी ही शामिल थे इनसे पहले आपके कुतुबन हो गए मंझन हो गए मलिक मोहम्मद जायसी जी हो गए जिन्होंने पद्मावत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें नागमती का वियोग वर्णन उन्होंने बताया उसमें दो रानियां पद्मावती नागमती होती हैं उनकी प्रेम कथा का वर्णन है इसी प्रकार से आपके उस्मान जी हो गए सिख नबी हैं आलम हैं नूर मोहम्मद हैं कासिम शाह हैं हुसैन अली हैं शेख निसार हैं ये सारे के सारे आपके प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के लोग हैं तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कभी कभी आपसे पता है मेरे प्यारे दोस्तों की शेख निसार मतलब कि किस परंपरा के हैं शेख निसार तो अवधि के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं किसके अवधि के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं प्रेम प्रेमाख्यानक काव्य पर परम्परा में एक प्रकार से होता है कि आ, प्रेम का निरूपण किया जाता है प्रेम प्रसंग वर्णित होता है तो कहीं ना कहीं पे इनमें समय प्रेम प्रसंग ही वर्णित है इन सभी कवियों में नूर मोहम्मद हो गए चाहे कासिम शाह हैं चाहे हुसैन अली है तो आपसे कभी कभी पूछता है कि इन्हें पाँच जो है अवधि के प्रेम प्रेमाख्यानक काव्य परम्परा के कवियों के नाम लिखिए तो आप कुतबन मलिक मोहम्मद जायसी मंझन उस्मान हुसैन अली कासिम शाह नूर मोहम्मद आलम शेख नबी शेख निसार इन सभी के बारे में आप बता सकते हैं आसानी से ओके ध्यान रखेंगे बस इनका नाम लिख देंगे हो जाएगा इसमें ज़्यादा नहीं लिखनी नहीं है आपके पाठ्यक्रम में शेख निसार संकलित हैं शेख निसार जी का जन्म जो हुआ था 1733 सौ ईस्वी में हुआ था इनकी रचना जो यह हुई यूसुफ जुलेखा यह लगभग जो है इन्होंने सत, जब यह सत्तावन वर्ष के थे तो यह रचना इन्होंने लिखी थी इसीलिए सत्तावन वर्ष में के थे ये और सात दिन में यह रचना लिखी गई थी उस समय लोगों की मान्यताएँ हैं कि सात दिन में इस रचना को लिख दिया गया था किसके द्वारा इनके द्वारा जो है शेख निसार जी के द्वारा इस प्रकार से 1847 की जो है संबत में 1847 संबत में इसकी रचना हो गई जब अठारह में हो गई तो अठारह से सत्तावन साल के उस समय या थे तो अट्ठारह में से हम सत्तावन घटा देते हैं तो हमको इनके जन्म के बारे में पता चल जाता है अर्थात सत्रह सौ ईस्वी में इनका जन्म हुआ था संबत सत्रह विक्रमी में ध्यान रखेंगे संबत सत्रह सौ विक्रमी होगा अब जब विक्रमी में से हम जो है सत्तावन और लेस करते हैं तो हमारे सामने इनका एग्जैक्ट यानी इसवी में सन निकल आता है तो एक मिनट मैं बताता हूँ आपको कितना इस पर लगभग सत्रह सौ नब्बे से जब अगर आप घटाएंगे सत्रह सौ नब्बे से सत्तावन अगर घटा देंगे दस में से दस में से सात गए कितना बचेगा तीन बचेगा यहाँ से बच्चा आपका आठ आठ माह से पाँच गए तीन बचेगा यानी सत्रह सौ तैंतीस ईस्वी में इनका जन्म जो है माना जाता है इनकी किताब के अनुसार जब यूसुफ जुलेखा जो है ग्रंथ इनका इनके हिसाब से अगर देखें यूसुफ जुलेखा के अनुसार यूसुफ जुलेखा लिखी गई थी सात दिनों में कब लिखी गई थी तो अट्ठारह सौ सैंतालीस पूस महीना था पूर्णिमा का दिन था उस दिन लिखी गई थी संबत तो संबत् अठारह सौ में लिखी गई है और उसके बाद में जब ये जब लिखी गई है कविता तो यह अपने ही कविताओं में इनको बताया था कि तब यह सत्तावन साल के थे तो सत्तावन साल इनमें से लेस कर देंगे अट्ठारह सौतालीस संबंध में से अट्ठारह सैंतालीस से सत्तावन लेस करेंगे तो सत्रह सौ नब्बे बचेगा सत्रह सौ नब्बे में से चूंकि यह विक्रम संबंध में है तो विक्रम संबंध को ईस्वी संबंध में मतलब ईस्वी सन में बनाने के लिए हम उनमें से सत्तावन लेस करते हैं तो इस प्रकार से सत्रह इनका जन्म निकल करके आता है तो सत्रह इनका जन्म है मृत्यु के संबंध में इनकी बातें मतलब इनके जो है नहीं बढ़ी थी यह बात ध्यान रखेंगे ठीक शेख तो मतलब सेखपुर उत गांव सुहावा शेख निसार जन्म तह पावा चार्यू और सघन अमराई अगम अथाह चहु दिशाई शेख हबीबुल्लाह सुहाई शेख जिन आए दर्शाए बादशाह अकबर सुल्तान ते मतलब सुल्ताना तेह कर राज कर करत बखाना अवध देश सूबा हो इस आए बीस बरस लह, रहे सुहाए इस प्रकार से शेख निसार से संबंधित बहुत सारी जो है पंक्तियाँ हैं जब मैं किसी दिन शेख निसार का जीवन परिचय पढ़ रहा होऊंगा तो उसमें हम बता देंगे ओके ध्यान रखेंगे सबका जीवन परिचय आपके सामने अवश्य लाएंगे हम चलिए बात कर लेते हैं तो सबसे विरा वर्णन आज तक का सबसे कठिन विरा वर्णन की मैं बात करूँ आज तक का नहीं लेकिन हाँ अभी तक आप लोगों ने ऐसा बीरावरण नहीं पढ़ा होगा आज बीरावर्ण के बारे में जानेंगे इससे पहले मैं बता दूं आपको एक जो है पंक्ति की व्याख्या शायद हमने कर दी थी तो उस पंक्ति की व्याख्या अगर बताएं तो उसको मैं बता दूं लेकिन उसकी हमने व्याख्या कर दी थी हालांकि चलिए देख लेते हैं बात करते हैं यूसुफ जुलेखा की सठ वर्णन की यूसुफ जुलेखा यूसुफ जो है वह नायक है इससे जो है कव्य परम्परा मतलब की इसके इस कविता के नायक कौन है यूसुफ है और नायिका कौन है नायिका है जुलेखा नायिका जुलेखा है और यूसुफ़ जोन कौन है यूसुफ़ उसके पति हैं और कहीं ना कहीं पे यह सपने में देखती है और स्वप्न में ही देख करके इससे प्रेम कर लेती है यूसुफ से और उसके बाद में जब उसकी बिरह अवस्था आती है जब यूसुफ से मतलब कि एक प्रकार से जब बिरा अवस्था में वह है एक प्रकार से उसका पति जो है यूसुफ उसके पास नहीं रह जाता किन्हीं कारणों के बस में तो उस समय शेख निसार जी लिखते हैं उन्नीसवें खंड में सठ वर्णन अर्थात तो जो छः ऋतुओं का वर्णन है ये तो एक एक ऋतु का वर्णन इसमें मिलेगा आपको आइए बात कर लेते हैं सठ सठ ऋतु वर्णन को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं चर्चा करते हैं सठ ऋतु वर्ण ये जो है हमने व्याख्या आपको बता दी थी ऋतु बसंत बन उपवन फूला जोगी जति देख रंग फूला जिस प्रकार से बसंत का ऋतु आ गया है सारे उपवन बाग तड़ाक सब फूल चुके हैं जोगी जति सभी लोग अपने अपने जो है इस रंग और फूल को देख करके क्या रहे मन में मतलब मन उनका हृदय जो है वो फूल रहा है पूरन काम कमान चढ़ावा कामदेव जो है अपना पूर्ण बाण जो है चढ़ा लेते हैं बिरहीन ही है, बाण ऐसा मतलब कि जब कामदेव अपना पूरा बाण चढ़ा लेते हैं तो जो बिरा अवस्था की जो स्त्रियां हैं मतलब जिनके पति उनके पास नहीं है वह एक प्रकार से बहुत ज़्यादा और बिराह से पीड़ित तो हो जाती हैं काम वासना उनके जो है हृदय को हृदय में उनके जो काम के बाण होते हैं वह लगने लगते हैं इस प्रकार से उनकी जो मनोदशा होती है वह बिगड़ने लगती है इसी बात को हमने इसको विस्तार से समझाया था अगर इसको आपने देखा है तो कोई बात नहीं मतलब देखा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं देखा तो एक बार फिर मैं फिर से जो है इसको तेज़ी से बता दे रहा हूँ उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ फूले सीखी मतलब फूले फूल सीखी गुंजा रहे हैं आगी लागी अनार के अनारे ये मैं वैसे बता रहा हूँ अभी एक एक शब्द का अर्थ इसमें हमने बताया अगले वीडियो में तो उसको देख लेंगे एक वीडियो हमने एक खंड का बता दिया था ध्यान रखें तो फूले फूल मतलब कि जो है फूल जो है फूल चुके हैं सीखी गुंजा रहे मतलब जो कलियाँ वगैरह हैं सभी लोग सीख उस पर जो है बैठ मतलब कलियाँ जो है खिल चुकी हैं उस पर भंवरे मड़ा रहे हैं इस प्रकार से मतलब उस उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें जो है उस पर खिली हुई हैं और सीखी मतलब होता है मयूर आपका तो मयूर एक प्रकार से बोल रहे हैं भंवर मतलब भंवरा होता है जोगी जती योगी यति ठीक है इसी प्रकार से तो फूले फूल सीखी गुंजा रहे मोर बोल रहे हैं फूल फूल चुके हैं लागी आ अनार के डारे ऐसा लगता है कि अनार के डालों में जैसे वृक्ष अनार के वृक्ष में जब लाल लाल फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अनार के फूल के कारण से अनार के वृक्ष में आग लगी हुई है लागी आ अनार के डारे अनार के डाल में ऐसा ल... लगता है कि आग लगी हुई है एक प्रकार से आगे बढ़ते हैं कुसुम केतकी मालितबासा भूले भंवर फिरे चौपासा इस प्रकार से जो है कुसुम केत की मालती इन सभी प्रकार के जो पुष्प हैं या सभी पुष्पित तो हो चुके हैं इन सभी के जो है इन सभी को जो पुष्प जो फूट चुके हैं इन सभी पुष्पों के केतकी और मालती ये जो पुष्प है ये सुगंधित पुष्प एक प्रकार से माने जाते हैं और यहीं पर जो है भंवरे जो होते हैं वह आकर के जो है अपनी आत्मविस्मृति में पहुंच चुके हैं अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं और इस प्रकार से इस पुष्पों का आनंद ले रहे हैं पुष्पों के चारों तरफ घूम रहे हैं जुलेखा जब स्थिति को देखती है तो कहती है मैं क्या करूँ कहाँ का, का जाऊँ कहती है क्या मैं क्या करूं कहां को जाऊं मुंह का नहीं जगत माठाऊँ अर्थात मैं अब क्या करूं कहां को जाऊं किस स्थान पर जाऊँ मुझे अब जो है जो है चूँकि मेरे पति है नहीं और अब जो है मैं कहां को जाऊं किसके पास जाऊं इस समय जो है वह स्वयं से ही प्रश्न करती है कि अब वह कहां जाए उसे लगता है कि संसार में अब उसे कहीं भी कोई स्थान नहीं मिलेगा रहने के लिए कोई भी उसे अपनाएगा नहीं इस प्रकार से वो सोचती है मन में इसी समय की बात है बसंत ऋतु में टेसू का जो फूल होता है वह फूल मतलब कि फूला जाता है और तेसू का फूल जो कीन है जोरा लागी आग मतलब आगि जरे चोरा टीसी टेसू का फूल एक होता है वह बहुत तेज मतलब कि एक प्रकार से आग के सादर से दिखाई पड़ता है तो टेसू का फूल फूल चुके हैं और उनसे इतना मतलब उजाला हो रहा है ताकि चारों तरफ क्या हो गया है लगता है आग लगी हुई तो जो है तुन फूले और नीम फुलाने करण करबंद बास बसाने इस प्रकार से जो है टीसू के वृक्षों में जो है आग के समान पुष्प लग रहे हैं और उसके बाद में बसंत के प्रभाव के कारण से तुन नीम करण करबंद ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं इन सभी में पुष्प लग चुके हैं जो कि सुगंध फैला रहे हैं उसकी सुगंध जो है पूरे परिवेश में फैल रही है जुलेखा जो, जो है इस घटना को देखती है और देख देख करके आ, क्या करती है यह देख करके अपने प्रिय जो, जो यूसुफ है उन्हीं को याद करती है और याद करने के बाद में अत्यंत दुख का अनुभव करती है और वह अपने प्रिय को कोसती हुई कहती है कि निर्मोही और दयाहीन प्रिय सुख पाकर जो है मुझको भूल गए मतलब इस दुखनी को भूल गए कहती है जुलेखा कि फेरी त्याग फिरहे मतलब फिरंगे दुख कानन भंवर संदेश सुनाए पीतम भूल गए सुख पाही निर्मोही का दया नाई इस प्रकार से जिस प्रकार से भंवरे मतलब भंवरों के माध्यम से कहती हैं या भँवरों को एक प्रकार से जो है दूध बना करके भेजती हैं लेकिन क्या हो रहा है मतलब भँवरे सभी पुष्पों पर मंडरा रहे हैं सभी को सुख ले रहे हैं इस स्थिति को देखती है तो उसके अंदर में तमाम प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं और वह इस सभी को सहन नहीं कर पाती और सहन न करने पाने के बाद में यह कहती कि प्रिय मेरे भूल गए हैं सुख पा करके और इस निर्मोही को मुझे दया नहीं आती मतलब पति को यह चीज़ें बताई गई यह रितु मतलब अगला है इन सभी को हमने बता दिया इसलिए इसको हमने वैसे बता रहा हूँ बाकी अभी समझेंगे एक एक मुद्दों को नीचे वाले से ठीक इन सभी को हम बता चुका हूँ तो मैंने सोचा इसमें ज़्यादा समय लेना चाहिए हालांकि अभी मैं आपको विस्तार समझाऊंगा सारे मुद्दे को यह ऋतु चित्र कैसे रहे सहाय बिराह कह पीर पुहपित देख बसंत ऋतु दे कैसन धरो शरीर अर्थात जो है जो लेखा जो है कहती इस मादक ऋतु में प्रिय से अलग होकर के मेरा मन कैसे रहे मेरा मन कैसे लगे किस प्रकार से बिरा पीड़ा को मैं सहन करूं किस प्रकार से बसंत ऋतु जो होती है या एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मनोहर होती है बहुत ज़्यादा लोग इसमें अपने प्रियतम को अपने अपने जो है पति को अपने अपने जो है सभी लोग अपने अपने प्रियतम को याद करते हैं प्रियतमा को याद करते हैं इसलिए यह ऋतु जो है एक प्रकार से बहुत प्रकार की मादक ऋतु होती है तो यह बातें हमने एक वीडियो में बता दी है पर्सनल रूप में तो उसमें विस्तार से एक एक मुद्दे को हमने समझ लिया है अब हम बात करते हैं आगे से जो यहाँ से अब हम बात करेंगे अब विस्तार से एकदम से चर्चा करेंगे आप लोग आराम से बने रहिएगा कवित्त देखिए कविता भागे सोच वियोग विचार सब तन कान कोलाहल चाखई जागे जोगी जति अनुराग सो भमर पतिंग सब रस पाखई पाखे पेम सुरंग से देह सने भरित ऋतुराज सुलाघहि लाज सुलागहि लागी टीसु दवाब नि चाहू दिस कौन दिशास होई बिरहीन भागहि मतलब इसका यह है मतलब अगर आप कभी आपसे मानते हैं अगर मैं बताऊं आपसे पूछा जाए कि जो है संदर्भ सहित व्याख्या तो संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि व्याख्या कवि पंक्तियां सूफी काव्य धारा के अंतिम सूफी काव्य परंपरा के अंतिम महत्वपूर्ण जो है कवियों में से एक शेख निसार की यूसुफ और जुलेखा की विश्व प्रसिद्ध मतलब कि विश्व प्रसिद्ध या फिर विश्व विश्रुत तो आप कुछ भी लिख सकते हैं तो विश्व प्रसिद्ध प्रेम कहानी पर आधारित कृति यूसुफ जुलेखा के उन्नीसवें खंड ब्रेकेट में लिख देंगे सठ ऋतु वर्णन या फिर सठ सठ ऋतु खंड से लिया गया है या फिर उद्धृत है आप ऐसा लिख देंगे प्रसंग में लिख देंगे कि जो है यूसुफ जुलेखा नामक काव्य कृति की नायिका जुलेखा के बिहड़ी जीवन की शुरुआत उक्त कृति के से मतलब सठ ऋतु खंड से होती है वह कथानक यूसुफ से वियुक्त होकर के विभिन्न ऋतुओं में जिस तरह की अनुभूति करती है यहाँ उसी का विवेचन जो है किया गया है ऐसे आप लिख देंगे उसमें आप जो है अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग, अलग प्रकार से लिखेंगे जिसमें बसंत ऋतु की बात करी जाएगी उसमें कहें कि बसंत ऋतु के आगमन पर बिरेणी जुलेखा की स्थिति का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है या जब शिशिर ऋतु लगे तो शिशिर ऋतु में इसका वियोगी वर्णन किया गया है इसी प्रकार से आप आसानी से इसको बता सकते हैं ओके समझ में आई बात आगे बढ़ते हैं तो इनमें आप जो है विशेष में बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो है प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप चित्रण प्रस्तुत किया गया है बसंत ऋतु की मादकता को सर्वव्यापी बताया गया है चौपाई दोहा छंद इत्यादि का प्रयोग किया गया है भियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है ठीक रित बसंत उपवन फूला इस पंक्ति में जो है अशोक टामबंकरी की एक पंक्ति लिखती उनकी कि बहके लगे सब संत तो जानो बसंत है मतलब बहके लगे सब संत तब जानो बसंत है मतलब जब कभी भी जो संत और जोगी जति हों ये सब कभी कभी क्या हो जाए जब ये सब भी अपने आप में ना रह जाए ये सब भी इनके सबके हृदय में भी काम के बाण लगने लगे तो समझ लीजिए कि बसंत ऋतु आ गई है ऐसा किसने कहा है? अशोक महोदय ने कहा है इसी बात को देखिए और सोरठा छंद का प्रयोग किया गया कवित्त सोरठा और दोहा छंद का प्रयोग किया गया नीचे लिख देंगे ठीक आइए बात करते वैसे ये दोनों देगा तो कभी जो है इतना आपको देगा पूरा इतना देगा इतनी व्याख्या करने को देगा और ज्यादा नहीं देगा ओके ध्यान रखेंगे मतलब ऐसा नहीं केवल इतने को देगा कभी मतलब इतने इतने का जोड़ा बना करके देता मतलब इतने इतने का जो है जोड़ा बना करके देता है चलिए बात करते हैं भाग्य सोच वियोग विचार सबय तन कान कोला ही मतलब इसका यह जुलेखा जो है यह स्पष्ट करते हुए कहती है कि इस ऋतु में जिन स्त्रियों का प्रिय जो है उनके निकट है जिन स्त्रियों का पति उनके पास है वह बड़ी ही सौभाग्यशालिनी है क्योंकि क्या होता है प्रिय की उपस्थिति में चिंता और वियोग के विचार उनके निकट नहीं आ सकते अर्थात भागी सोच विचार समय जब जो है बसंत ऋतु का आगमन है बसंत ऋतु के आगमन में जो लेखा कहती है कि समय जो है जिस स्त्री के पास उसके पति स्वयं रहते हैं उसके पास जो विचार मतलब जो विराह के विचार होते वियोग के विचार होते हैं वियोग संबंधी सोच होती है वह समय मतलब वह सभी क्या होती भाग जाती मतलब कि जिस पति मतलब जिस पत्नी के पास उसके पति रहते हैं उसके पास जो है वियोग नामक श्रृंगार की उत्पत्ति नहीं होती आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रृंगार रस श्रृंगार रस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं और श्रृंगार रस के दो जो है पहलू होते हैं एक तो होता वियोग श्रृंगार एक होता संयोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार तब होता है जब नायक और नायिका आपस में मिले हुए होते मतलब एक पास होते हैं ऐसे आज की भाषा में समझो जब आप किसी लड़की से जो है संपर्क में या फिर किसी लड़की के संपर्क में रहते हैं तो आपका क्या है नायक और नायिका जब जो है अपने जो है मिलन अवस्था में होते हैं तो उसी को हम संयोग श्रृंगार वहाँ पर उत्पत्ति होती है और जब नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं ब्रेकअप हो जाता है तो वहीं पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वियोग श्रृंगार की पूर्ण रूप से अभिव्यंजना की गई है वही आपको दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पर ऐसी बताती है कि जिन स्त्रियों के पास अब यहाँ पर देखिए रस समझिए जिन स्त्रियों के पास उनका पति रहेगा वहां पर तो श्रृंगार आएगा नहीं मतलब भीयो, से संबंधित जो विचार हैं जो सारी चीजें हैं तो भाग्य सोच वियोग विचार समय तनकान कोलाहल चा खी अर्थात तो उनके निकट नहीं आ सकती इसलिए यह स्त्रियां इस ऋतु का भरपूर आनंद ले रही हैं मतलब कान कोलाहल तो उसके पास कहाँ से जो है वो मतलब जो वियोग के विचार हैं वो कैसे आएंगे जब वह क्या हो रही है जब उसके पास उसके पति जो है स्वयं रह रहे हैं तनकान कोलाहल चाक है और उस प्रकार से वह जो है इस मनोरम रूपी बसंत ऋतु का क्या कर रही है भरपूर आनंद उठा रही है तो वह जो है तमाम प्रकार के रसों का क्या आ रहे हैं कोलाहल होकर के मतलब एक प्रकार से खुशी होकर के जो है चाख रही किसको तनकान मतलब एक प्रकार से रस को उस जो उस समय जो है ऋतु है उस ऋतु का जो है पूर्ण रूप से जो है पान कर रही हैं आगे देखिए चाखे जोगी जति चाखे जोगी जति अनुराग सो हमर पतिंग सबय रस पाखी अर्थात इसका मतलब यह है कि जब बसंत ऋतु आ जाता है तब बसंत ऋतु के उत, मतलब उत्पन्न होने वाले जो मतलब तमाम प्रकार की कोयले बोली लगने लगती हैं भंवरे जो होते हैं गुंजार करने लगते हैं चाखे जोगी जति अनुराग सो भवर पतिंग सब रस पाख जब बसंत का ऋतु लगता है तो बसंत के ऋतु के समय क्या होता है जोगी जति जितने भी लोग होते हैं वह सभी कहीं ना कहीं पे जो है उन सभी में भी प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है वह सभी लोग अपने अपने जो है पथ से क्या होने लगते हैं अलग होने लगते हैं तो जोगी जति भी इसमें जो है इस बसंत ऋतु में अपने आप को रोक नहीं पाते हैं भंवरे क्या होते हैं पतंगे भवरे ये सब अपने अपने हिसाब से पुष्प पर मंडरा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के रसों का पान कर रहे हैं आगे है पाखे प्रेम सुरंग से देह सनेह भरित ऋतु राज मतलब लाज जो हैं ला मतलब इसका यह है कि बसंत ऋतु का प्रभाव प्रभाव जो है इतना अधिक है इतना ज्यादा है इससे क्या हो रहा है इस ऋतु के प्रभाव के कारण से क्या हो रहा है पुरुष वर्ग जो है सुदर्शन शरीर को देख करके प्रेमाशक्त हो जा रहे हैं लेकिन एक जुलेखा इसमें है चाहूं कौन होई है। सुख का अनुभव कर रहे हैं लेकिन इसमें जो एक प्रकार से जो बिरहिणी है मतलब जुलेखा की बात करे रहे बिरहिणी बिरहिन भाग मतलब जो जुलेखा है इसके जो है बिरा का वर्णन यहाँ पर करते हुए कभी कहते हैं कभी कहता है यहाँ पर कि जो जो व्यक्ति यहाँ पर जिसके पति या फिर जिसकी पत्नी उसके पास नहीं है वह इसी ऋतु में एक प्रकार से बहुत ज्यादा उसको जो टेसू के लाल लाल फूल होते हैं जो खिले हुए होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं वह फूल इसको क्या रखते हैं अग्नि के समान दिखाई पड़ते हैं अर्थात पाखे पेम सुरंग से दे स्नेह भरित ऋतु 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 लाज लाज जिसको यह मतलब मतलब बसंत का लाज लग गए, बसंत लग बसंत का लग लग गई गई है जिसके ऊपर हावी हो गई है उस समय कोई भी जो है अपने आप के शरीर में अपने अपने मतलब आप को जो है एक प्रकार से रख ही नहीं सकता है पुरुष वर्ग सुदर्शन शरीर को देख करके प्रेमासक्त हो रहे हैं इस प्रकार से एक प्रकार से सभी लोग प्रेम में पागल हो गए हैं प्रेम के प्रति अनुराग हो मतलब उनके प्रति क्या हो गया प्रेम के प्रति मतलब प्रेम सभी को हो गया सब प्रेमासक्त हो रहे हैं ऐसे में जो बिरहड़ी है जो जुलेखा है उसको जो टेसू के फूल जो सबको अच्छे लगते हैं लाल लाल खिले हुए होते हैं उनको आग के समान दिखाई पड़ते हैं ध्यान रखेंगे लागे मतलब लागे टेसु दवाग्नि मतलब एक प्रकार से अग्नि के समान चारों दिशा में उनको दिखाई पड़ रहा है कवनो दिशा हुए बिरहीन मतलब कवन दिशा हुए बिरहीन भाग गया अर्थात किस दिशा में वह जो है बिरहीन जो है अर्थात जो जुलेखा है वह किस दिशा में भाग करके जाए जबकि सभी दिशाओं में क्या हो गया है सभी दिशाओं में आपका इस प्रकार की चीजें हो गई मतलब सभी दिशाओं में आपका जो है टीसू के फूल जो है आग के समान फैले हुए हैं और इधर जाए तो आग से जल जाए उधर जाए आग से जल जाए इस प्रकार से कहती है मैं कहाँ जाऊं क्या करूं आगे है कि सोरठा चंद में लिखा गया है सोरठा चंद कैसे पढ़ते हैं कि हरे हरे ऋतुराज बन पमन किस्मत भय आवे कोने काज न पूछे बात मुही इस प्रकार से इसको पढ़ने का जो है लय है तुख है तो हरे हरे ऋतुराज आवे कौने काज कंत न पूछे बात यह जो है यह सोरठा छंद है छंद सोरठा सुंदर दोहा सुंदर दोहा बताया गया है छंद सोरठा ये सब दोहा जो ये सब जो छंद है इसको सुंदर बताया गया एक प्रकार से कभी वो जो है उसने जो है आ, कभी और तुलसीदास जी ने इस बात को पुष्टि करी है ध्यान रखेंगे इस प्रकार जो है जो लेखा कहती है हरे हरे ऋतुराज अर्थात इस हरे हरे भरे ऋतुराज मतलब ऋतुराज कहा गया बसंत ऋतु को बसंत ऋतु में जो इस प्रकार से चारों तरफ क्या हुआ है वन उपवन जो है सभी लोग हरे भरे हैं ऋतुराज मतलब बसंत का प्रभाव चारों तरफ फैल रहा है सुख समृद्धि है सभी तरफ और लेकिन इसमें क्या है बन हरे हरे ऋतुराज वन उपवन किस्मत भरे सभी लोगों की किस्मत खुल गई है सभी लोग सुखी हैं समृद्ध है सब हरे भरे हैं आवे कौने काज कंत न पूछे बात मोहि अर्थात जिनका कंत मतलब पति होता है मतलब ये अब आवे कौने काज ये हमारे कोने काम में आएगा ये जो ये ऋतु राज है। मतलब बसंत जो है। ये मेरे किस कार्य के लिए है या मेरे लिए बिल्कुल एकदम से बेकार है क्यूँकि कंत न पूछे बात मोहि मतलब मेरे पास पति मेरा नहीं है इसलिए यह जो बसंत ऋतु है यह मेरे लिए क्या है बेकार है मेरे लिए किसी काम की नहीं है बसंत ऋतु ओके आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे है आपका ग्रीष्म ऋतु अब पर खड़ी कह जा रहा अर्थात अब जो है ऋतुराज समाप्त हो चुका है बसंत ऋतु समाप्त हो चुकी है अब उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है ग्रीष्म ऋतु आ गई है अब पर ही अंगारा अर्थात गर्मी का महीना आ गया है ग्रीष्म ऋतु गर्मी कहते हैं तो ग्रीष्म ऋतु अब पर ही अंगारा खड़ी अगिन बिरहीन कहा जा रहा अर्थात ग्रीष्म ऋतु अब पर ही अंगारा अंगारा मतलब एक प्रकार से ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का महीना आ गया उसमें आग जैसे जो है गर्मी हो रही है मतलब कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है खड़ी अगिन बिरहहीन कहा जा रहा और खड़ी अगिन यहाँ जो खड़ी अगिन है एक प्रकार से खड़ी अगिन मतलब यहाँ पर तात्पर्य है जो बिरहीन है बिरहहीन मतलब होता है जो जुलेखा है इसी को बिरहीन कहा गया है मतलब बिरा की अवस्था में इसीलिए इसको बिरहीन कहा गया है तो बिरहीन जो जुलेखा है उसको खड़े खड़े मतलब एक प्रकार से जो विरह अवस्था में जब स्त्रियां या या फिर जो लेखा विरह अवस्था में है तो एक प्रकार से इसके हृदय में वैसे आग लगी हुई है इसके शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा है और उस गर्मी में भी खर, तो ही खड़ी मतलब खड़ी अगिन विरहिन कहा जा रहा एक तो उसके शरीर में ही गर्मी हो रही है दूसरे ग्रीष्म की गर्मी आ गई है तो ग्रीष्म ऋतु की गर्मी और उसके शरीर की गर्मी अब जो है तो ग्रीष्म ऋतु का जो पर ही अंगारा और उसकी खड़ी गर्मी मतलब कि उसके शरीर की गर्मी ये सब दोनों मिलकर के उस बृहणी का क्या कर रहे हैं जार रहे हैं मतलब कि जला रहे हैं समझ में आई बात यहाँ कर पहने कहने का मतलब बहुत बड़ी बात है ग्रीष्म ऋतु अब अब पर उखड़ी अगिन बिरहिन कह जा रहा अर्थात ऐसी गर्मी पड़ रही है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है साथ ही साथ उसकी बिरा अवस्था की जितनी भी ज्यादा जो है जलन है या फिर गर्मी है वो सारे के सारे दोनों मिल करके दोनों ताप जो है अर्थात ग्रीष्म ऋतु का ताप और उसके अंदर उसकी बिराह का ताप दोनों मिल जाते हैं और उसको प्रभावित करते हैं उसको एक प्रकार से अंगारों के समान ये सारी चीजें प्रतीत होती है आगे देखते हैं यह ऋतु माह सब जाय सुखाई अर्थात गर्मी का महीना आ चुका है और यह ऋतु ऐसा है ग्रीष्म ऋतु ऐसा माना जाता है इसमें सब चीज जो होता है वो सूख जाता है यह ऋतु मह सब जाय सुखाई अर्थात इस ऋतु में सब कुछ सूख जाता है विराह बेल उपज उप मतलब उपजीव पलुहाई मतलब बिरा बेल का मतलब क्या होता है विराह के प्रभाव से कारण से इसमें जो बिरहणी होती है ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें गर्मी के महीने में सारे कुछ सूख जाते हैं एकमात्र इसमें केवल बिरहणी है, या जो है यह जो स्त्री है उपजय यह केवल पलुहाई मतलब यह केवल बढ़ बढ़ रही है मतलब कि सारी लता पत्रिकाएं बेल लता जितनी भी ये सारी जो है विराह में क्या होता है विराह में मतलब कि इस ऋतु में सब कुछ सूख जा रहा है पत्ते सूख जा रहे हैं पेड़ की डालियां सूख जा रही हैं बेल मतलब लताएं सूख जा रही हैं लेकिन इसमें बिरा बिरा बेल उपजय पलुहाई अर्थात इसमें जो है सारी चीजें सूख जाती हैं लेकिन इसमें मेरी वेदना की जो बेल है मतलब कि लता है एक प्रकार से यह नित्य निरंतर तीव्र गति से बढ़ रही है मतलब उपज रही है तो मेरे जो प्रेम की जो पीड़ा है या फिर मेरे बिरा अवस्था जो है यह सभी तो इसमें सूख रहे हैं अर्थात सभी की जो चीजें हैं वह सूख रही हैं लेकिन इसमें क्या हो रहा है इस ग्रीष्म के तेज में मैं बढ़ रही हूँ मेरा बिरह अवस्था मतलब कि मैं बढ़ रही हूँ मतलब मेरे बिरह अवस्था बढ़ रही है ओके तो बिरह 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 बेल बेल पलुहाई मतलब की की जो बेल है जो की है है अर्थात अवस्था वह हमारी उपज रही है मतलब बढ़ रही है उसी को कह रहे हैं पलुहाई आगे देखते हैं ग्रीष्म तेज बिरह के आगे ग्रीष्म का तेज अर्थात गिर जो ग्रीष्म का तीव्र ताप है वह जुले मतलब ग्रीष्म के बिरह और ग्रीष्म के तीव्र ताप में जुलेखा का हृदय जो है वह इस प्रकार से जल रहा है ग्रीष्म तेज विरह के आगे मोरे ये दबान से लागे मंदिर छाय सुहावा रमन भवन रामन मन भावा मतलब ग्रीष्म तेज अर्थात ग्रीष्म का तेज जो है और विरह का जो तेज तेज मतलब ताप है इन दोनों से मिलकर के जुलेखा का हृदय इस प्रकार से जल रहा है इस प्रकार जंगल में आग लगी हो और उसमें कोई बीच में फंस गया हो मोरे हृदय दबान से लागे अर्थात जंगल में कोई आग लग गई हो और जंगल में आग लगने के बाद में उस बीच में कोई जीव फंस गया हो उसी प्रकार से जुलेखा जो है अपनी स्थिति प्रकट करते हुए कहती है कि जो है इस समय मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है और ये बात बताते हुए आगे कहती है 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 कभी जो है जुले, जो यूसुफ जी मतलब शेख निसार जी कहते हैं कि मंदिर मंदिर छाए मंदिर मतलब घर होता है छाए मतलब छा करके उसी मतलब होता है एक प्रकार से एक प्रकार से ऐसा यंत्र जो कि घर की शोभा बढ़ा दे उसी मतलब खस एक प्रकार से जो कि घर की शोभा को बढ़ाता है उसीर सुहावा अर्थात तो मंदिर मतलब घर घर अब जो है बिरहड़ी सोचती है जो जो लेखा है वह सोच रही है कि हो सकता है मेरे पति आ जाएं। और इस बात को सोचते हुए वह क्या करती है मंदिर को छवा लेती मतलब कि अपने घर को छा लेती है अच्छे तरीके से मतलब घर को सुशोभित करने वाले तमाम प्रकार के जो है वस्तुओं को रख देती ताकि घर अच्छा लगे रमन भवन रामन मन भावा इसी प्रकार से वह अपने रमन भवन को भवन को क्या कर रही है जो है उसको सुसज्जित कर ली है लेकिन होता क्या है उसके प्रिय की अनुपस्थिति है उसका प्रिय उसके पास नहीं आता है और नहीं रहता यह सोचती हो सकता आएगा लेकिन जब मतलब पहले सजा लेती है उसके बाद में इसको दुख होता है कि है ये नहीं तो इसको सजाने से क्या फायदा बिन कथानक कहानी का क्या फायदा इस प्रकार से कथानक नहीं होता कहानी में तो कहानी बेकार होती है ठीक उसी प्रकार से जब उसका प्रियतम नहीं होता तो उसकी वह जो है अपने आप को एक प्रकार से छीण महसूस कर रही है खत्म हुआ महसूस कर रही है रमण भवन रमण भवन मतलब होता है कि बहुत अच्छा गृह हमने जो बनाया है अभी रमण भवन एक प्रकार से अः जो संयोगावस्था में रहते हैं उसी को रमण करना कहते हैं संयोगावस्था में पति और पत्नी साथ रहते हैं तो उसी अवस्था को हम रमण अवस्था कहते हैं और उस रमण अवस्था में उस रमण भवन में क्या आता है वो रमण चीजें तो रमण भवन जो बना है या जिसने बनाया है वह रामन मन भावा रामन यहाँ का तत्पर यहाँ पर यह है कि बहुत प्रकार से उस भवन में जो अच्छा भवन था उसमें हाहाकार मचा हुआ है रामण का तत्पर यहाँ से हाहाकार से लिया जाता है कि hmm. मतलब एक प्रकार से गलत चीजें हो गई मतलब की यहाँ पर निगेटिव पॉइंट यहाँ पर आप दे सकते हैं इसको मतलब रामण भवन का मतलब ठीक तो रामन भवन जो है रमण भवन जो है वह रामन भवन में प्रतीत हो गया अर्थात जो जो घर सुख प्रदान करने वाला होता था वह घर क्या प्रदान कर रहा हमको दुख प्रदान कर रहा है यह बात आप इसमें बता सकते हैं आगे देखते हैं उमड़ी उमड़ी घन चढ़ चढ़ाई अकाशा और घन चढ़ मतलब उमर उमड़ी उमड़ी, उमड़ी घन चढ़ई अकाशा संजोगिनी मन मुदित हलासा पर डियरा घर घर काम काम निन तुम बिन मैन जरावे जीव काह करो निर्मोही पियू बेल अम्बरित पूरन चह ओरा हम कह बिरह हलाहल घोरा निठुर कंत नहीं पूछे बाता कपट लगी फल अमृत त्राता नीर घटा उमड़ी घटा घटा न हम हम चख नीर नैना न खेत सीते सीचे सदा घट घट रही शरीर उमड़ उमड़ घन चढ़ाई अकाशा तुलासा मतलब पावस का डेरा पड़ चुका है पावस की ऋतु आ चुकी है जुलेखा कहती है, जुलेखा कहती कहती है है मेरे प्यारे दोस्तों कि उमड़ उमड़ घन चढ़ाई आकाश अर्थात पावस ऋतु का आने का समय हो चुका है ठीक और इसमें क्या हो रहा है इसमें उमड़ उमड़ करके जो बादल हैं ये क्या कर रहे हैं उमड़ घूम करके बादल जो है आकाश में घूम रहे हैं ग्रीष्म का अंतिम चरण चल रहा है मतलब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने को है इस समय आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं यहाँ पर देखिए उमड़ घुमड़ चढ़ मतलब उमड़ घुमड़ घन चढ़ा आकाशा और आकाश में मड़रा रहे हैं कौन बादल मड़रा रहे हैं और संयोग अवस्था में जितनी भी स्त्रियां रह रही है संयोगिन मन मुदित हुलासा अर्थात जितनी भी स्त्रियों के पास उनके पति उनके पास संयोगिनी अवस्था में है वह जो है प्रकार से मन में उत्साह उनके उत्पन्न होता है क्या होता है उनके मन में उत्साह उत्पन्न होता है और मन ही मनवा मुदित हो रही हैं आकाश में बादलों की उपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि पावस ऋतु जो है जगह जगह पर अपना डेरा जमा रही है अर्थात पावस ऋतु लगता है अभी से लग गई है इस समय जब बादल में जो है बादल जो है आकाश में जो है बादल मड़ा रहे हैं बादल खूब प्रकार से इधर उधर फैल रहे हैं इस समय क्या हो रहा है इस समय लगता है कि पावस का डेरा पड़ चुका है पावस नामक ऋतु आ गई है ठीक ऐसा लग रहा है और आगे कहता है कभी कि आकाश में बादलों की उपस्थिति से ऐसा प्रतीत तो होता है कि पावस जो है वह ऋतु जगह जगह पर अपना डेरा जमा रही है इस दृश्य को देख करके जो घर की कामनिया है काम भाव से ग्रस्त हो रही है अर्थात कि तुम बिन जो है तुम बिन मैन जरावे जीव का सॉरी अगला ये पहली पंक्ति लाग पावस अर्थात जगता की पावस का डेरा पड़ चुका है घर 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 काम कामनिन अर्थात हर में क्या हो रहा है जो 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 कामनिन मतलब होता है स्त्रियां घर में रह रही हैं उन स्त्रियों को काम वासना की पीड़ा हो रही है मतलब कि एक प्रकार से वो फीलिंग उत्पन्न हो रही है जो एक प्रकार से जो है संभोग अवस्था को प्राप्त होना चाहती है तो एक प्रकार से घर घर सभी जो कामनिया जो सभी स्त्रियां हैं वो अपने उनमें काम के बाण जो है लग रहे हैं और वो जो एक प्रकार से क्या हो रही हैं एक प्रकार से काम आसना उनके अंदर जग रही है और वह करना चाह रही हैं आगे देखते तुम बिन मैन जराव जीव तुम बिन मैन जराव जीव का पियो और कहती है जुलेखा कि तुम बिन मतलब अपने प्रिय से कहती है कि हे प्रिय तुम्हारे बिना जो है हमारा मन क्या हो रहा है जराव जीव मतलब हमारा जो है क्या हो रहा है हमारा जो जीव है वह जल रहा है का करो निर्मोह पियु इसीलिए अपने निष्ठुर पति से कहती है कि क्या करूं मैं अब और तुम यहाँ पर मेरे पास नहीं हो बेल अमृत पूरण चहोरा अम कह हम कह बिरा हला घोरा हल बेल अमृत पूरन चहोरा बेल मतलब बेल का जो वृक्ष होता है बे... बेल के जो फल है, वह अमृत के समान जो है प्रतीत होते हैं चारों तरफ जो है अमृत के समान प्रतीत होते हैं कौन बेल का जो होता है उसको अमृत कहा गया है यहाँ पर बेल के वृक्ष जो बेल लगा रहता है उसी बेल को क्या कहा गया है जो है बेल जो होता है अमृत के समान गुण इसमें पाए जाते हैं तो वही कहता है कि ग्रीष्म के प्रभाव से क्या हो रहा है जो अमृत के समान जो गुणकारी जो बेल है वह पक गए हैं लोग इस जो है रस का क्या कर रहे हैं जो है पान कर रहे हैं रस को पी रहे है बेल रस पीते हैं वो लोग और बेल का सेवन कर रहे हैं तो ये अमृत के समान माना जाता है बेल और यह जो अमृत के समान बेल है हम का बिरा हलाहल हो रहा हलाहल हला मतलब विष होता है बिरा हला इस बिरा अवस्था में यह जो अमृत के समान बेल है यह हमको कैसा लग रहा है यह हमको एक प्रकार से हलाहल नामक विष के तरह लग रहा है निष्ठुर अमृत अर्थात जब निष्ठुर कंत मेरा जो है मेरा निष्ठुर प्रिय तो मुझसे बात ही नहीं करता परिणामतः मुझे अमृत से गुड़ों के युक्त जो लाल फल है बेल का यह भी कपट का फल जान पड़ता है कपट लगी फल अमृत रा मतलब इस रात को जिस रात पे मेरे पति मेरे पास नहीं है इस रात में जो बेल का जो है अमृत जो है नामक जो है बेल जो है अमृत रूपी बेल जो है इसका जो फल है वह हमको कपट का फल लगता है जब मेरे पति जो है निष्ठुर मेरा निष्ठुर पति मुझसे बात नहीं करता मेरे पास नहीं है इसी प्रकार से आगे कहती है <coughs> सॉरी नीर घटा उमड़ी घटा घटा ना हम चकनीर अब यहाँ पर नीर घटा उमड़ी घटा यहाँ पर कौन सा अलंकार है यहाँ पर यमक अलंकार है यहाँ पर नीर घटा उमड़ी घटा मतलब घटा शब्द यहाँ पर आप कई बार देखेंगे यहाँ पर यमक अलंकार है मतलब यहाँ पर एक घटा का मतलब दूसरा होगा दूसरे घटा का मतलब दूसरा होगा आइए देखते हैं नीर घटा उमड़ी घटा एक घटा का मतलब होता है नीर घटा नीर मतलब पानी नीर मतलब क्या होता है पानी घटा मतलब कम हो जाना उमड़ी मतलब एक प्रकार से उमड़ गई कौन घटा मतलब जो बादल बरसने के लिए जो बादल की घटा होती नहीं है वो घटाएं जो बादल एक प्रकार से घेर लिया है एक प्रकार से तो उसी को कहते हैं उमड़ी घटा घटाना हम चखनीर मतलब क्या मतलब जो लेखा कहती है ग्रीष्म के प्रखर ताप के कारण से धरती जो है नीर घटा धरती पर क्या हो गया है पानी खत्म हो गया है नीर घटा उमड़ी घटा साथ ही साथ जब नीर घटा धरती पर एक आसमान और कवियों ने आसमान और मतलब कि बादल और पृथ्वी का जो है बताया कि बादल और पृथ्वी पति और पत्नी होते हैं और जब पृथ्वी पर कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो छाती या फिर पृथ्वी की जो धरती होती है वह फटने लगती है पृथ्वी पर जल की कमी हो जाती है तो बादल जल बृष्टि करता है तो वही अवस्था यहाँ पर बताई गई है कि नीर घटा उमड़ी घटा यानी जब पृथ्वी पर नीर जो है मतलब पानी की कमी हो जाती है तो उमड़ी घटा मतलब घटा जो मतलब कि जो आसमान होता है उसमें बादल मड़राने लगते हैं और एक प्रकार से पानी बरसाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं घटा ना हम चख नीर अर्थात हमारे अंदर मतलब कि हमारे आंखों से आंसू जो है वह नहीं घटे और मेरी अवस्था कम नहीं हुई कहती है कि पृथ्वी के इतना ज्यादा जो है गर्मी हो रही है यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है इतना ज्यादा जो है ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है कि धरती जो है सूख चुकी है धरती पर जो है दरारें पड़ चुकी हैं और इसी को देख करके जो बादल है उसका प्रियतम है वह वह बादल जो है पानी को बरसाने के लिए तत्पर हो रहा है सारी चीजें सूख चुकी हैं लेकिन क्या हो रहा है घटाना हम चखनी अर्थात हमारे शरीर से जो है पानी की कमी नहीं हुई है अर्थात जो है या कह रहे कि मेरे जो नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वह उसमें कमी नहीं आई है तो घटाना हम हम चक्री मतलब मेरे आंखों से जो है जो आंसू बहते हैं उसमें कमी नहीं है अर्थात मेरे आंखों के आंसू का जो पानी है उसमें कमी नहीं आई है नैना खेत सींचे सदा इतने मेरे आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि वह क्या करते हैं मेरे आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि वह पूरे खेत को सींच रहे हैं नयना खेत सींचे सदा

अलंकार होगा मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना ऐसे ही सूरदास की आप एक पंक्ति देखेंगे सूरदास की पंक्ति एक है उसका नाम जो है पंक्ति की निस्दिन बरसत नयन हमारे जो है गोपिया कहती है उधो से कि हे उधो मेरे जो नयन है वो निस्दिन बारिश करते हैं लगातार जो है रैन करते हैं मतलब की वर्षा करते हैं निस दिन बरसत नयन हमारे अर्थात मेरे आंखों से इतनी तीव्र धाराएं निकल रही हैं कि वह डेली की डेली निकलती रहती हैं और क्या होता है आगे कहती है कि कंचुक पट सूखत नहीं कब हूं उर बीच बहत पनारे तो सूरदास जी ने लिखा जबकि सूरदास जी जन्मान थे लेकिन देखिए इतनी मार्मिक जो है चित्रण कैसे करते हैं कहते हैं कि गोपिया कहती हैं कि कंचुक पट सूखत नहीं कब हूँ बीच बाहत पनारे अर्थात तो निशिन बरसत नयन हमारे डेली नयनों से मेरे आंसू इतने बहते हैं कि कंचुकपट जो है मेरा वह सूखता नहीं है कंचुक पट मतलब होता है उपवस्त्र उपवस्त्र मतलब जो स्त्रियां ऊपर अपने वस्त्र पहनती है अर्थात जो चोली वगैरह जो होती है जो चोली पहनती थी पहले तो घाघरा चोली होती थी तो जो घाघरा नीचे पहनाता है चोली ऊपर पहनी जाती है तो जब आंखों से आंसू गिरते हैं उनके तो कंचुक पटोस की उसी को हम चोली कहते हैं और बहते हैं उर्बिच बीच बहात बनाया जाता है इतने आंसू बहते हैं दोनों नेत्राओं से कि तो वह दोनों आंसू जा करके अलग एक धारा में बन जाते हैं दोनों आश्रुओ मतलब कि दोनों आंखों से मतलब जान लेते हैं दो आंख है ये दोनों आंखों से आंसू की धाराएं गिर रही हैं और ये दोनों आंसू की धारा एक में जैसे नदियां मिल जाती गंगा और यमुना नदियां मिल जाती हैं और बहने लगती हैं तो एक प्रकार से वह ऐसे बता रहे हैं सूरदास जी की ऐसे बह रही है दोनों आंखों से आ रही है मतलब कि उनके जो है दोनों स्तनों के बीच से होकर के यह जल धारा जो है आंखों की वह बह रही है और इस प्रकार से कंचुक पट जो होता है अर्थात जो उपवस्त्र होता है वह कभी सूखता नहीं है मैं बार बार उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा जो जो कंचुक पट है वह कभी सूखता नहीं है आप समझ सकते हो उपवस्त्र जो है वह कभी सूखता नहीं है और हमेशा जो है उनके जो है अस्तनों के बीच से जो है हमेशा से क्या हो रहा है जो आंसू की धारा है वह बहती रहती है यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है यह बात जो है किसने करी थी या बात सूरदास जी ने करी थी इसी प्रकार से अन्य कभी बहुत सारे ऐसे जिन्होंने हाइपर बोल करा है अलंकार में रचनाएं करी हैं तो वही बात यहाँ पर आप विशेष में लिख सकते हैं यहाँ पर सूरदास जी की पंक्तियां जो है अवलोकनीय है या फिर इसको देख सकते हैं कि कंचुक पट सुखद नहीं कबू उर्वीज बहात पनारे नि बरसत नयन हमारे ठीक यहाँ पर देखिए नीर घटा उमड़ी घटा मतलब धरती सूख चुकी है और बादल जो है उस जल वृष्टि के लिए तैयार हो चुके हैं लेकिन हमारे आंखों से जो है आंसू नहीं गिर रहे हैं मतलब हमारे आंखों से इतने आंसू है कि वह नया ना खेत सींचा इतने आंसू गिर रहे हैं कि वह खेत को सींच सकते हैं घट घट रही शरीर इस प्रकार से मेरा बदन जो है मेरा शरीर जो रहा वो घट रहा है लगातार प्रतिदिन लेकिन ऐसे में भी मेरे पति जो है मुझको याद नहीं करते जबकि धरती जो है सूखी हुई है तो उसका जो है प्रियतम जो होता है बादल वह जल वृष्टि के लिए मतलब जल बरसाने के लिए तैयार हो रहा है लेकिन इस अवस्था में इस अवस्था में, में, में मेरा शरीर जो है सूख रहा है किससे मेरे शरीर का जो समस्त तत्व है वह जल बन करके मेरे आंखों के माध्यम से बाहर आ रहा है और इस अवस्था में, में मेरा शरीर जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और इस अवस्था को भी देख करके मेरा जो निष्ठुर पति है मेरा जो प्रियतम है वह जो है तनिक भी दया नहीं खाता और मेरे पास आने का प्रयास भी नहीं करता यह है इसमें इसमें आप बता सकते विशेष में कि जो है निठुर कंत नहीं पूछे बात इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है और प्रेम मार्ग का प्रेम का मार्ग वास्तव में बहुत ही जो है क्या होता है बहुत ही कठिन होता है शायद इसीलिए कवि को लिखना पड़ा कि प्रेम के पंथ कराल महा धरवार की धार पे धावनो है ये बात जो है लिखी गई थी जो है आ, आ, लिखी प्रेमचंद की लगभग हमें लगती है प्रेमचंद जी ने कहा कि प्रेम के पंथ कराल महा धरवार की धार पे धावनो है मतलब और भी इसमें जो है जो है प्रेम के बारे में लोगों ने लिखा कि जो है बदनाम ही होने की सारी कथा मारग प्रेम हरिचंद जी ने लिखा भारत जी ने कि मारग प्रेम को, को समझ है हरिचंद जथा रथ है लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है प्रेम में कुछ जो है सफलता नहीं मिलती इसमें हमेशा रोना धोना यही सब है और बदनाम होने की पूरी की पूरी कथा होती है यह बात किसने कही यह बात कही प्रेमचंद जी ने ध्यान रखेंगे भारत हरिश्चंद सॉरी हर, भारत हरीश्चंद जी ने ओके इतनी बात क्लियर हुई तो यह आप विशेष में लिख सकते हैं विशेष में आप बता सकते हैं कि चौपाई दोहों का प्रयोग हुआ है उसके बाद में आप बता सकते हैं आप दोहा तो इसमें नीर घटा उमरी घटा घटाना हम चकनीर नैना खेसिदा घट घटे दोहा है ऊपर वाली जो है यहाँ पर तुम बिन मैन जरावे जीव काह काम निर्मोही पी ये सब क्या है ये सब आपका जो है क्या है भैया ये सब जो है आपका अः दो चौपाई है तो आप बता सकते चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है वियोग श्रृंगार की जो है उत्पत्ति हुई है प्रकृति के उद्दीपनकारी जो है है स्वरूप का चित्रण किया गया है। बस ऐसे आप बता सकते हैं आराम से आपका यह जो है पंक्ति आ, समाप्त हो जाएगी आगे देखते हैं कवित्व का व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं ये कवित्व आता है उसके बाद में देखते कवित्त अभी देखिए इस बार सूख सूख समुद्र गए रवि तेज सो सूख गई सरता जलधारी सूख गए पुहमी रवि मंदिर सूख गए जल मेघ सुखारी सूख कूप तड़ाग लता द्रुम बेल बली बन औ नल सूख नई अर्थात तो सूख गए सूख गए समुद्र गए मतलब सूख समुद्र गए रवि तेज सो मतलब रवि का तेज इतना है मतलब रवि मतलब सूर्य तेज मतलब प्रकाश सूर्य भगवान का प्रकाश इतना ज्यादा है कि समुद्र क्या हो गए हैं समुद्र सूख गए हैं सूख गई सरिता जलधारी अर्थात जो समुद्र में जो जलधारा बहनती है मतलब समुद्र में नदियां जो आती हैं और जो है नदियों के माध्यम से नदियों की जलधाराएं होती हैं वह सभी सूख गई सरिता सूख गई है नदी मतलब नदी होती सरिता का मतलब नदी होती है नदी की जलधाराएं क्या हो गई है समस्त नदियों की जलधाराएं क्या हो गई है सूख गई है जलधारा सब सूख गई है सूख गई कुहिमी कुहिमी मतलब क्या होता है भैया कुहमी मतलब होता है घर क्या होता है पूहमी मतलब सॉरी तो पूहमी मतलब होता है पृथ्वी क्या होता है भूमि मतलब होता है पृथ्वी और मंदिर मतलब आपका क्या होता है घर तो पूहमी मतलब सूख गई गईमी मतलब पृथ्वी क्या हो गई है एकदम से पृथ्वी भी सूख गई है रवि मतलब सूर्य और मंदिर मतलब घर तो सूर्य भगवान का स्वतः का घर भी उनका क्या हो गया तो सूर्य भगवान के घर जो स्वयं का उनका घर है वह भी सूख गया है सूख गए जल मेघ सुखारी अर्थात जो जल वर्षा करने वाले जो मेघ यानी बादल मेघ मतलब बादल जो वर्षा करने वाले जो बादल होते हैं वह भी सूख गए हैं सूख गए जल मेघ सूखाया अर्थात जो जल वृष्टि करने वाले बारिश करवाने वाले जो बादल होते हैं वह भी सूख गए हैं जब बादल सूखेगा भैया और समुद्र सूखेगा कैसे सूखा सूर्य भगवान का तेज इतना ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव इतना ज्यादा है तो इतना ज्यादा प्रकाश किरण पुंज है कि वकरे कारण से समुद्र सूखेगा सब सूखी गई सरिता जलधारी सरिता का जलधारा मतलब कि प्रकार से पूरा नदी तालाब कूप तड़ाक सब सूखीगा सूख गए पृथ्वी पूरी सूख गई है रवि मंदिर मतलब सूर्य भगवान का स्वयं का घर सूख गया है उसके बाद में सूख गए जल मेघ सुखारी अर्थात जो पनिया बरसा वाला जो बादर हुआ था वो बदरा पूरा सूखेगा है वोरे मद्य मगे का कहा था आगे कहा था निसार जी कि सूखे कूप तड़ाग लता दुर्म कुप मतलब कुआं तड़ाग मतलब सरोवर लता मतलब जो है लताएं जो वृक्ष में होती है बवन वगैरह वो द्रुम इसी प्रकार से होता है ये सारे के सारे क्या हो गई है ये सारे के सारे क्या द्रुम मतलब वृक्ष होता है द्रुम मतलब क्या होता है वृक्ष होता है तो वृक्ष पत्ते पत्तियां डालियां सब कुप कुआ तालाब सरोवर सभी लोग क्या हो गए सब सूखेगा भैया फिर अब उसके अंदर बेल बली बन और फुलवारी अर्थात जो है सभी जो पशु जो पंक्तियां हैं मोटी मोटी जो वृक्ष के मतलब मोटी मोटी जो बेले हैं मतलब हैं सघन जो बन है मतलब की जो है बन और फुलवारी बली बन मतलब बेली मतलब होता है कि प्रकार से जो है जो बेली मतलब आप सोचते जो है आप जो मीठी -मी, जो मोटी मोटी बेले बेलों का पेड़ होता है फिर जो है बेलें एक प्रकार से होती नहीं कि बंवरता टाइप के जो है मोटी मोटी होती है बरगद की तरह तरीके से उन्हीं को हम बेले कहते हैं वह बेल जो है सूख गई है बली बन बली बन मतलब होता है सघन बन बली मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा बन सघन बन जब मैं बहुत ज्यादा जो है मात्रा में जो है पेड़ लगे तो वो सब बन सूखेगा उसके तो बाद में फुलवारी फुलवारी भी सारी सूख गई जिसमें जो है फूल लगे हुए होते हैं यानी पुष्प जो बाटिका जिसको कहते हैं तो पुष्प वाटिका भी साखी आ, सारी सूख गई कैसे किसके ग्रीष्म के प्रभाव से अर्थात गर्मी इतनी ज्यादा है कि उस गर्मी के प्रभाव को ना सह करके पृथ्वी पूरी सूख गई है इससे रबी के तेज से समुद्र सूख गया है जो सरिता मतलब नदी है सलिता जो है वह भी सूख गई है और जो पृथ्वी है वह भी सूख गई है सूर्य भगवान का खुद का घर सूख गया है उसके बाद में जो है पानी बरसाने वाला बादल जो है वह स्वयं सूख गया है कुआ सूख गया है तालाब सूख गया है और सरोवर सूख गया है और उसके बाद में वृक्ष सूख गए हैं सारे उनकी पत्तियां सूख गई हैं उनमें जो है बवर वगैरह जो है वह सूख गई हैं और जो है सघन वन बहुत ज्यादा जो है वो सूख गए हैं फुलवारी अर्थात जो है पुष्प वाटिकाएं सूख गई हैं ये सारे सूख गए हैं लेकिन शेख निसार जी कहते हैं कि शेख निसार अः बिरहा नल सुख नुख हारी अर्थात तो शेख निसार जी कहते हैं कि इस बिरहा नल में अर्थात जो बिरहड़ी है जो बिरहड़ी मतलब जुलेखा है उस जुलेखा के आंखों के आंसू जो है वह नहीं सूख रहे अर्थात तो उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए हैं वह आंखों के आंसू जो है उससे नहीं सूख रहे कहने का मतलब यह है कि उसका प्रियतम उसके पास नहीं आ रहा है इस ग्रीष्म के तेज में सभी लोग सूख गए हैं लेकिन उसका जो आंखें है वह नहीं सूखी है बिरहा ना सूख है दुखियारी यानी यह अखिया जो है यह दुखियारी अभी भी नहीं सूख रही है आगे देखते हैं आगे आपका सोरठा कि सूख, सूख भई बेचैन छ्रीष्म ऋतु द्रुम बेली बना एक न सूखे नैन नित बरस तरसह सखी मतलब वो कह रही है कि सखी से अपने मतलब सुख मतलब अपने सखी को संबोधित करती यहां पे सखी मतलब अपने सखियों से कहती है वह कौन तो जुलेखा अपने सखियों से कहती है कि हे सखियों सुख भई बेचैन मतलब मैं सुख करके एकदम से बेचैन हो गई हो जुलेखा अपने सखियों से कहती है कि हे सखी ग्रीष्म का ताप इतना ज्यादा है ग्रीष्म के ताप के कारण से क्या हो गई है जो है ग्रीष्म ऋतु द्रम बेल बन मतलब सभी लोग क्या हो गए सभी सूख गया है ग्रीष्म के ताप से जो हमने आपसे सारे बताए पेड़ पौधे न जल तालाब कुआं तालाब सब सूख गए हैं ये सारे के सारे चीजें सूख गए हैं एक न सूखे नयन मतलब मेरे नयन नहीं सूखे मेरी मतलब मेरी आंखें नहीं सूखी है नित्य दिन मतलब नित्य बरस तरस ही सखी मतलब या मतलब डेली बरसते हैं तो निस्तिन बरस नयन हमारे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ठीक तो इस प्रकार से क्या कहते हैं जो लेखा ग्रीष्म के ताप के कारण से वृक्ष सूख गए हैं लताएं सूख गई हैं बमर इत्यादि सूख गए हैं वन प्रदेश सूख गए हैं ये सारे सूख करके बेचैन हो गए हैं लेकिन मेरे नेत्र जो है यह कभी नहीं सूखने को तैयार हैं ये नित्य निरंतर क्या होते हैं बरसते रहते हैं और अपने प्रिय दर्शन के लिए क्या होते हैं हमेशा तरसते रहते हैं मतलब नित्य बरस ही मतलब किसको है अपने प्रियतम के जो है सौंदर्य दर्शन के लिए तरसते हैं मतलब अपने पति को नहीं देख पाते हैं इसलिए वह तरसते हैं अपने प्रियतम को नहीं पाते इसलिए वह तरसते हैं आगे बढ़िए भैया आगे थोड़ा और मुद्दा देखिए आगे देखते हैं अगला है चौपाई आ गई आपकी ऋतु पावस घन घोर बिराजे घोर घमंड घटा चढ़ी गाजे अर्थात पावस का महीना आ चुका है वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है और पुरानी वाली में आप जो है विशेष में क्या लिखेंगे जो हमने अभी आपको बताया पहले पुरानी वाले में लिखेंगे जिसमें जो सूख समुद्र गए रवि तेजसो अर्थात समुद्र जो होता है कभी नहीं सूखता तो इसमें भी का, क्या बात की गई है अतिशयुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है ध्यान रखेंगे जो हमने बताया था सूख गए समुद्र रवि तेजसो वाली सूर्य का प्रकाश कितना भी ज्यादा हो जाएगा लेकिन समुद्र जो है नहीं सूखेगा ठीक तो इसमें जो है आपका बता सकते हैं कि अतिशयुक्त अलंकार किया गया है और निस्तिन नयन हमारे जिसमें बताया हमने बताया था तो उसमें निस्तिन नयन हमारे लिखती है सूरदास जी की है इसी प्रकार से यहाँ पर प्रति प्रकृति का अति संवेदनशील चित्र जो है उकेरा गया है सोरठा और कवित्र छंद का प्रयोग किया गया है अवधि भाषा का सफल प्रयोग किया गया है परंपरागत विरह का वर्णन जो है किया गया है यहाँ देखेंगे आगे बढ़ते हैं तो ऋतु पावस घन घोर अर्थात पावस ऋतु आ चुकी है घोर घमंड घटा गाजे अर्थात जो है पावस का महीना चुका है मतलब पावस मतलब एक प्रकार से ऋतु होती है जो ठंडी का महीना होता है उसी को पाव सॉरी बरसात का महीना होता है उसी को हम पावस का महीना कहते हैं ध्यान रखेंगे जो लेखा कहते हैं कि पावस ऋतु के आगमन के साथ ही साथ आसमान में जो है ढेर सारे बादल उपस्थित हो गए हैं ऋतु पावस घन घोर बिराजे घोर घमंड घटा चढ़ाजे अर्थात घटाएं जो है एकदम से आ चुकी है ये अत्यंत ही गर्भोन्नत तो बादल जो है घटाओं पर चढ़ करके एक दूसरे से टकराते हैं और जब यह बादल एक दूसरे से टकराते हैं मतलब चढ़ी घटा चढ़ गाजे मतलब ऋतु पावस जब पावस ऋतु मतलब जब ठंडी का सॉरी क्या बोलते हैं यार बरसात का महीना आता है जब पावस ऋतु मतलब होता है बरखा तो पावस कहेंगे तो समझ में आ जाएगा ना पावस का होता है तो पावस समझिए पावस मतलब बरसात या बरखा अवधि जो तो बरखा बर्खा, आई बर्खा कि बादर बादर से है बरखा आने है कि बादल खूब मड़राए लागे थे बादल दूसरे से टकरात है बिजली उत्पन्न हुआ थी और खुब प्रकार के इस तमाम प्रकार के चीजें जो है उत्पन्न होती है यह है बात कही गई तो ऋतु पावस मतलब की बरसात का महीना आ चुका है पावस ऋतु आ चुकी है घन घोर बिराजे मतलब यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के बादल जो है आकाश में मड़रा रहे हैं घोर घमंड घटा चढ़ गाजे अर्थात जो है जब बादल एक दूसरे से क्या करते हैं घटा मतलब वो घटा नहीं कि घटिगा है कम होगा घटा मतलब बादल की घटाएं वह घटाएं क्या हो रही चढ़ एक दूसरे पर जो है बादल टकराए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं टकराते हैं तो आवाज होती है उनसे तो घन गरज ही जब टकराते हैं तो क्या होते हैं गरजते हैं आवाज होती है उसके दामिन का ही बिजलियां चमकती है यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ घन गर्जे है दामिन लौका ही ध्यान रखेंगे जब बादल वहां पर टकराते हैं ऊपर तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है दामिन ही मतलब बिजली चमकती मला मला है मतलब ही मतलब दिखाई पड़ती है दामिन मतलब बिजली गरजे मतलब गरजता है घर मतलब बादल जैसे ध्यान रखेंगे तो घन गरजे मतलब जो घन होता है मतलब जो बादल होते हैं जब गरजते हैं सबसे पहले हमको बिजली दिखाई पड़ती है क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वह ध्वनि की गति से क्या होती है तीव्र होती है प्रकाश की गति क्या होती है ध्वनि की गति से तेज होती है इसीलिए क्या होता है तो प्रकाश की गति पहले हमको दिखाई पड़ती है और जो गरजती है बादल चीजें वह बाद में दिखाई पड़ती है इसीलिए आप यहाँ पर विशेष में एक शब्द लिख देंगे विशेष में आपको एक शब्द लिखना है यहाँ पर इस बात को इंगित करते हुए कि जो है इसमें जो है बताया गया है इसमें कवि ने बताया है मेरे प्यारे दोस्तों कवि ने बताया इसमें पहले जो है गर्जना बताई गई कवि ने इसमें जो है बादल की गर्जना को पहले दिखाया और बिजली की चमक को बाद में दिखाया है जबकि होता इसके विपरीत है पहले बिजली हमको दिखाई पड़ती चमकती है उसके बाद में बादल की गर्जना सुनाई पड़ती है तो इसको आपको ऐसे विशेष बता देना है नारिकंत के कोर छिपाही मतलब कि क्या कह रहे नारी कंत, कंत मतलब पति नारी मतलब स्त्री ओके कोर मतलब नारी जो होती कंत के कोर कंत के कोरा कोरा समझते हैं गोदी मा तो नारी जो है स्त्रियां जो है कंत के में छिप जाती है कब छिपती है घनगर ज जब कटकट जब कटकटा कर करके जो बादल खूब तेज से गरजता है जब बादल गरजता है बिजलियां चमकती हैं और बरसात का महीना आ चुका है गड़गड़ गड़गड़ गड़, गड़, बादल में आकाश हो रहे हैं तमाम प्रकार की आवाजें उत्पन्न हो रही है इस प्रकार से जब स्त्रियों के कालों में आवाजें पड़ती है तो स्त्रिया क्या होती है स्त्रिया डर के मारे से एकदम से अपने अपने पति से चिपक जाती है उनके कोरा में बैठ जाती है मतलब उनके गोद से, से एक प्रकार से एकदम से क्या होती है कोर छिपाही छिप जाती है एकदम से जैसे देखते नहीं कभी कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो जब हीरो हीरोइन रहते हैं तो कभी कभी एक कमरे में हो या फिर कहीं पर हो और बगल में कोई ना एक कीड़ा आ जाए झिंगुर आ जाए फिर काकरोच आ जाए इतना तेजी से चिल्लाएंगे जाकर करके चिपक जाएंगे तो उसी प्रकार से एक काकरोच को देखने से कि जो है बॉलीवुड की हीरोइन जो होती है या फिर किसी भी बुड की हीरोइन जो होती है वह चिपक जाती है अपने प्रियतम से ठीक उसी प्रकार से बादल की गड़गड़ाहट गल और उसकी बिजली को सुनते हुए और देखते हुए स्त्रियां अपने अपने पति के गोद में छिप जाती हैं आगे देखते हैं जो जो गरज चमक अधिकारी और जिस जिस प्रकार से जब जब गरज चमक अधिकाई जिस जिस प्रकार से बादल की गरज जो होती है और चमक जो होती है अधिक होती है बढ़ती जाती है तव तो तो बाह नारी उरिलाई यानी जिस प्रकार से देखिए इसको बताते हुए भी हमको शर्म लग रही है लेकिन हाँ बता रहे हैं जो जो गरज चमक अधिकार जिस जिस प्रकार से क्या होता है जिस जिस प्रकार से गरज अधिक होती है बिजली की चमक बढ़ती जाती है बादल की बरसात के महीने में तो, तो बाह नारी भरेलाई इसी प्रकार से जो नारिया होती है अपने कंत को अपने पति को अपने प्रियतम को उसकी और बाहों में जकड़ती हुई चली जाती है मतलब एकदम से एक प्रकार से तो, तो, बाह नारी उरलाई मतलब एकदम से जकड़ लेती है अपने अपने पतियों को पकड़ करके जिस जिस प्रकार से बारिश होती चली जाती है बारिश के महीने में क्या होता है बारिश के महीना ऐसा है कि इस समय यह सब क्यों बता रहे हैं ताकि जो है यह सब देखेगी भी जो लेखा तो एकदम से जल जाएगी झोंस जाएगी एकदम से तो वही यहाँ पे देखिए जो जो मतलब जो है गरज चमक अधिकाई और जिस जिस प्रकार से बादल चमक रहे हैं बिजली गड़गड़ा रही है उसी प्रकार से जो अपनी जो नारियां हैं वो अपने अपने पतियों के पास अपने अपने पतियों के एकदम से सीने से चिपक रही हैं एकदम से बाह में उनको और जकड़ रही हैं कस रही हैं हम कह के यू ला गई बाहा जो लिखवा देखी जुलेखा ने देखा कि भैया अब ये तो सब संयोगा अवस्था में उनकी सखियां जो है सब जो है आनंद की अनुभूति कर रही हैं अब ये आनंद की अनुभूति इसको नहीं मिल रही है और जब कौन स्त्री को मान लेते हैं कौनों जो है पाँच सौ की साड़ी पहन के बगल वाली स्त्री जाती है या दुई सौ की साड़ी पहनी है तो तीसरे दिन बता रहे खाना घर में बंद खाना बनना बंद हो जाएगा तो ये तीन सौ की साड़ी हमको लाओ फलानी मेहरारू पहने रही हमू चाहिए तीन सौ की साड़ी तुरंत जो है वो कहेंगे हाँ कि साड़ी हमको भी पहनना है तो तुरंत जो है उसके में ईर्षा का भाव पैदा हुआ जो लेखक के और यह चीजें देखें कि सभी लोग सुखी हैं सब अपने अपने जो है पतियो के पास सब अपने अपने पतियों को अपने बाह में लिए हुए हैं या देख से आप भी कभी कभी देखते होंगे सड़क वगैरह पे या फिर जो है दो लोग जा रहे हैं तो का हमारा भी ऐसा होता है कर्म करो नौकरी लाओ भैया नौकरी लो उसके बाद में बढ़िया बढ़िया जो है शादी वगैरह हो जाएगी क्या दिक्कत है इसमें कोई फंसने की आवश्यकता नहीं तो चलिए हालांकि वो अलग का मुद्दा है इसमें पढ़िए बहुत ही मजा आएगा आपको हम कह के यू ही बाहू मतलब अब जुलेखा कहती है भैया अब मतलब कि आप, हम क्या करे जाए गले लग जाई ये तब तो अपन मजा है जो मतलब कि आनंद का अनुभूति कर रही है और हम क्या करे लगे जाए अब हम कह के बाह मतलब हम किसके में लग जाए जाकर किसके मतलब किसको पकड़ के जकड़ ले पावस समय दिए बाहा मतलब पावस का ऋतु ही ऐसा है कि इस समय इतना ज्यादा बिरह वेदने के बाह लगते हैं और इतना ज्यादा मन करता है किसी को पकड़ के जकड़ने का चिपकाने का कि गलबाहा मतलब कि किसी को पकड़ने का गलबाहा करने का मतलब एक प्रकार से इसे होता नहीं कि भेंट लियो पकड़ के चिपक जाओ तो दिए गलबाहा मतलब पावस के समय में बरसात के समय में हर एक स्त्री चाहती है कि उसका उसके पास हो और उसको जकड़े हो, इस प्रकार से मतलब गलबाहा करे उसके गले मिले तो इस प्रकार से वह चाहती है खग मृग कीट अव मानुष सारा साज सदन सुख कर ही इस प्रकार से पावस के महीने में पावस खग मृग कीट और मानुस सारा खग मृग कीट और मानुष ये सभी क्या कर रहे हैं अपने अपने घरों की शोभा को बढ़ा रहे हैं अपने अपने घरों को बना रहे जब बारिश का समय होता है तो चीटियां भी देखते हैं अपने अंडे और बच्चे को लेकर के नए नए प्रकार के घर में प्रवेश करती है इसी प्रकार से खग मृग कीट इसी प्रकार से अन्य पशु पक्षी जो है वह अपने अपने घर और मनुष्य सभी मानुष सारा तब कीट खट और मनुष्य जो है ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं अपने अपने घरों को की शोभा बढ़ा रहे हैं और अपने अपने घरों में जो है घर बना रहे हैं अब घर कैसे देखिए साज साज सदन मतलब होता है सजाना सदन मतलब होता है घर सुख मतलब सुख कर ही अब अपने अपने घरों को सजा करके खग मृग कीट और मनुष्य सारे जो हैं या सुख की अनुभूति कर रहे हैं और इस समय इसी मुद्दे को जुलेखा देखती तो बहुत ज्यादा क्या होती है दुखी होती की हमें का ही चीजियां नहीं मिलत ठीक आगे देखते हैं अभी कहती घर हमार सब भाईगा पानी और भैया जब बादल गरजत है ब्रेकिंग डार्क सेल्डम बाइट जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं कहा गया है जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है लेकिन यहाँ पर जो दामिन लौकाही और जो है घन गरज घन है दामिन लौकाही जब घन गरजता है और बिजली चमकती है तो इस प्रकार से घनघोर वर्षा होती है कि जो सारे जिन्होंने तो अपने वस्ते मतलब घर को बना लिया है वो तो उनके घर तो ठीक ठाक है वो आराम से अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं लेकिन उसमें एक बिरहणी जो जुलेखी जुलेखा है उस जुलेखा के घर में क्या हो गया है पानी भर गया घर हमार सब भरेगा पानी जुलेखा कहती है कि हमारे घर में का होगा है सब जगह पानी भरेगा है उत राजा हम वही उतरानी मतलब वह समय उत राजा उत राजा मतलब क्या हो गया कि हमारे जो पति है उत राजा मतलब वो बहुत दूर है उत राजा मतलब कि हुआ है वहां है मतलब हुआ दूर है हमसे तो उत राजा हम वही उतरानी वही मतलब कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है अपने घर में हम वहां पर बूढ़ी ततराई थे मतलब कि डूब से अंदर जाए थे फिर ऊपर आई थे यह प्रकार से बतावती कौन जुलेखा जो है कह रही है कि घर में हमारे पानी भर गया है और पानी भरने के बाद में मैं तो उसमें जो है जो है बोड़ती हूँ मतलब कि डूबती उतरा रही हूँ उसमें मतलब कि डूब रही हूँ ऊपर नीचे आ जा रही हूँ लेकिन उतरा जा मतलब वहां पे जो है मेरे पति अलग कहीं पर हैं जिनके छिन बिछुरे प्यू जा नाही जिनके छिन बिछुरे प्यू नाही सुख ना सुख नार्य पावस मही अर्थात जिनके मतलब कि इस ये कहती है जुलेखा जो कहती है जुलेखा कहती है सभी नारियों को कर, इंगित करते हुए कि इस पावस ऋतु में इस वर्षा ऋतु में जिनके पति जो हैं उनसे बिछुर गए हैं मतलब जिनके जिनके छिन बिछुर प्यू नाही सुख मतलब नार 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 सुखी नारी नार पावस ॠतु माही वही नार पावस ऋतु में सुखी होती है सुखी नारी पावस मतलब वही नार सुखी होती है किसमें पावस ऋतु में जिनके पास क्या होता तो है जिनके छिन बिछुरें प्यू नाही तो जिनके प्रिय जो होते कभी कभी क्या बिछुरते नहीं है एक छिन के लिए मतलब के लिए कई पति बरखा घर से बहिरे न निकले मतलब घर से बाहर नहीं जा रहे हैं उनको वही स्त्रिया पावस ऋतु में सुख का अनुभूति करती हैं, उन्हीं को सुख की प्राप्ति होती है ऐसा कहती है जुलेखा जुलेखा क्या कहती है जुलेखा कहती है कि पावस ऋतु में वही स्त्रिया सुखी होती है जिनके पति जो होते एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते हैं आगे देखिए कर्म हमार भयो दुखदाई कि हमारा कर्मवय बेकार रहा कहती कि हमारा कर्म जो है बड़ा ही दुखदाई था का प्रीतम का दोष लगाई अर्थात कहती है इसमें पुनर्जन्म की अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि कभी जायसी जी ने पुनर्जन्म की व्यवस्था को माना और कहा कि मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो पुनर्जन्म की व्याक बात कही गई है ध्यान रखेंगे ठीक समझ में आई बात पुनर्जन्म की बात यहाँ पर करी गई है तो आप जो है इसमें लिख देंगे विशेष में कि हाँ प्रस्तुत पंक्तियां जो होती है इसमें जो है पुनर्जन्म पे कर्म के अनुसार सारी चीजों को बात की गई है क्योंकि तुलसीदास जी के लिए कर्म प्रधान विश्व राखा जो जस करे फल जाखा पर आप इन पंक्तियों को लिख देंगे और विशेष में कहेंगे ने भी कर्म के सिद्धांत को अपनाया इसी प्रकार से यदा यदा ही धर्म सी गलाभवती भारत इस प्रकार से आप बता सकते हैं अभ्युत्थानम इस प्रकार से आप बता सकते हैं आगे है इस श्लोक में पढ़ा जाए पूरा पढ़ सकता है ये योगी स्वरा किशो यत्र पार्थो धनुरा तत् श्री विजयिभूति दुर्बा नीति मति गीता के तमाम सारे श्लोक है जो कर्म के सिद्धांत को ही क्या करते हैं मानते हैं यहाँ पर कर्म के सिद्धांत को यहाँ पर महत्व दी गई है और जुलेखा मतलब की सिख निसार जी कहते हैं जुलेखा के शब्दों में कि कर्म हमारा भयो दुख अर्थात मेरा कर्म ही साथ नहीं दे रहा है मेरा कर्म ही दुख का हो है मतलब कि दुख मेरे कर्म में ही लिखा है कि दुख मुझे मिलेगा तो का प्रियतम का दोष लगाई अर्थात अपने प्रिय को क्यों दोष लगाऊं कि वह मुझसे अलग हो गए हैं जो मतलब दोष हमार जो अवगुण की ना ये मेरा ही दोष है कि जो हमने यह अवगुण किया यह गलत कार्य किया निर्मोही का मन चित्त मंच देना निर्मोही मतलब एक प्रकार से जिसको हमने कभी देखा जाना नहीं और उस पति को हमने जो है अपना दिल दे बैठी ठीक तो ध्यान रखिए निर्मोही का मन चित्त देना मतलब की मैंने उस व्यक्ति को दिल दे दिया जो कभी हमसे मिलने ही नहीं आता है दोष हमार जो अवगुण या दोष ही कि हमने निर्मोही बलम को क्या कर दिया अपना जो है सारा का सारा का सर्वस्व दे दिया या खुद पर ही दोषारोपण करती है मतलब खुद पर और प्रिय से कहती है कि मैं तुझ पर दोषारोपण क्यों करूँ या तो मेरे कर्मों का फल होता है और यह मेरे ही कर्मों से होता है क्योंकि की यह अपने अपने आप को दोषी ठहराते हुए कहती है कि उनसे बहुत मतलब कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो निर्मोही व्यक्ति को जो है हमने क्या करा है मन और अपना चित दे दिया है और इस बात से जो है वह आगे कहती है कि पावस घन अंधियार महा कहती है कि यह पावस ऋतु जो होती है बड़ी ही अंधेरी रात होती पावस में बरखा ऋतु में बहुत ज्यादा अंधेर के राति होती जब बरखा ऋतु में अंधेरी रात होती पावस घन अंधियार महा कैसन बचे परान हुए रैन बज्जर जो जागे सो जान अर्थात पावस के घन अंधेरे मतलब की खुब जो है अंधेरी रात है पावस ऋतु पावस मतलब की बरसात के महीना है बरसात के ऋतु माँ खूब ज्यादा जो है अंधेरा है अंधेरी रात है और मां कैसे मतलब इस अंधेरी रात में कैसे बचे प्राण इस अंधेरी रात में प्राण कैसे बचे मेरे हो रेन बज्र के मतलब रेन मतलब होते रात ही। तो इसे ये रात जो है वज्र के समान प्रतीत होती है जैसे बज्र इंद्र का वज्र जो है हमारे ऊपर लग रहा हो कि इंद्र कुलिस सूल विशाला और काल दंड चक्र कराला जब इनका मारा नहीं मरई तो मर रोष पावक रही। इंद्र के बज्रम सूल मतलब भगवान के त्रिशूल से इन सभी के सूल से जो चीजें नहीं मरती हैं वो ब्राह्मण के कोप से मरती तो जी ने यह बात बताई है कि इंद्र के वज्र तो इंद्र का वज्र को बहुत बड़ी तुलना दी गई है तो इंद्र का वज्र जो है प्रकार से वहां पर तुलना करी गई कि है कि हुए रैन बज्र का यहाँ पर इंद्र नाम नहीं आया है लेकिन वज्र के सब बात करी गई है तो वज्र किसका फेमस है इंद्र का फेमस है यहाँ पर इंद्र नहीं लिखेंगे आप लेकिन लिखेंगे कि जो है ये रैन जो है ये आधी जो अंधेरी रात है वह जुलेखा पर वज्र प्रहार करती है मतलब लगता है कि जुलेखा के हृदय पर वज्र के एक प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर वज्र से मार दिया जाए इंद्र के वज्र से मार दिया जाए जिस प्रकार से वह मरने के लिए तत्पर हो जाए जैसे इंद्र जब राक्षसों को अपने वज्र से प्रहार से मारते थे तो क्या होता था एक बार में ही खात्मा हो जाता था तो वह कहती कि यह वज्र के समान जो रात है यह मुझ पर क्या कर रही आघात कर रही है मुझे मार रही है अब इसमें मेरे कैसे प्राण बचेंगे और यह अंधेरी रात जो है पावस की यह वज्र के समान प्रतीत होकर वज्र के समान हम पर वज्र से हमला कर रही तो इसमें मेरे प्राण कैसे बचेंगे और यह बात वही व्यक्ति जानेगा जो जागे सो जान अर्थात जो व्यक्ति जागेगा वही इस रात के वज्र बज्ञ, वज्रता के बारे में जानेगा कि यह रात बड़ी ही क्या होती है बड़ी ही मतलब कि जो है बजर वज्र के समान होती बड़ी ही दुखदाई रात होती है और दुखदाई कब होती है जब जिसके पति घर में ना हो जिसके प्रियतम उसके पास ना हो उसके लिए दुखदाई और जिसके हैं तो उसके तो भैया सुखदाई है ये है अंधेरी रात आगे देखते हैं बोलही मोर वियोग भरे बन कोकिल कोक हिया कोकान झूल झूल बिना घन घमंड में मेघ दिस आसन जोगी यति के निसार महारस घू घट खोलही घोलही मेघ वियोगिन को दुख डू जो है डूब चातक बोल न बोलहि ओ माई गाड़ भैया है। देखते हैं इसको भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं भाई इतनी ज्यादा आतोक्ति है कि कभी कभी लगता है कि इतनी जो कहू जीवन में आ जाए तो व्यक्ति कैसे जिएगा भैया बताओ ये जो उनको पावस की बरखा के रात ही है उन्हें वज्र के समान लागत थी जिंदा थे अवस्था थी उनकी ऐसे ऐसी अवस्था नहीं थी लेकिन हाँ भाई कभी है कभी जाने वह कभी कल्पित था अब कभी की कल्पना को कौन भाप सकता है कभी जो है ऐसी कल्पनाएं करते हैं जिनकी कल्पनाओं को आप पहुंच नहीं सकते जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी जहां मतलब अंतर आत्मा तक घुस जाते हैं अब बताओ जो यूसुफ जुलेखा है मतलब जुलेखा जी जो है मतलब जुलेखा जो है उनकी बातों को शेख निषार जी कैसे उनके अंदर की बातों को बताते हैं जुलेखा के अंतर मन की बातें हैं कि उसको जो है पावस की जो रात है वो वज्र के समान उसके ऊपर लग रही है इसमें उसके प्राण नहीं बचेंगे या बात जुलेखा ने शेख निषाद जी से तो बताया नहीं लेकिन शेख निषाद जी देखिए कितना जो है उसके अंदर की बातों को अपनी साहित्य कलम प्रदान करते हुए लिखते हैं इसमें जो है दोहा चौपाई छंद इत्यादि का प्रयोग किया गया ऐसे आप बताइए भाषा का अच्छा प्रयोग किया गया है ठीक ऐसे आप बता सकते हैं इसमें आगे देखते हैं आगे देखो मोर वियोग भरे मोर वियोग भरे और बन कोकिल हिया निज झूल मतलब का है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हो है? बोल जो है बोल बोल रहे हैं मतलब जो जुलेखा है वह अपने प्रिय यूसुफ से दूर है और जब प्रिय यूसुफ से जोर है और पावस की ऋतु है और उसी के बाद में जो है पावस ऋतु में मोर जो है में भरी आवाजें निकाल रहा है तो मोर भरी भरी मतलब आवाजें कौन निकाल रहा है मोर जो है बियोग भरी क्या निकाल रहे हैं आवाजें निकाल रहे हैं कौन मोर तो बोलह मोर बियोग भरे वियोग भर भर करके मोर जो है आवाजें निकाल रहे हैं बन कोकिल कुक हिया ने जो मतलब एक प्रकार से कोयल जो है कुंक रही है मतलब कोयल जो है अपनी आवाजें निकाल रही है कौन कोयल जब अपनी आवाज निकाल रही है इस स्थिति को जब इस बाणियों को सुनकर या के यानी मोर के बियोग भरी आवाज सुन करके कोयल की कुंक सुन करके यानी कोयल की आवाज को सुनकर के जुलेखा का हृदय जो है वह झूल उठता है अर्थात विरह संतप्त जुलेखा मोर और कोयल की विरह बाणी को सुनकर के क्या हो जाती है उद्दीप्त हो उठती है क्या उठती है उद्दीप्त हो उठती है अर्थात जो है जब मोर के वियोग भरे बातों को सुनती है और वन में जो कोयल बोल रही है उनकी कोयल की आवाजों को सुनती कोयल की कुक को सुनती है तो हिया मन झूले मतलब उसका हृदय जो होता है वह झूलने लगता है क्या होने लगता है उसका हृदय जो होता है वह झूल उठता है अर्थात बिरा के कारण से एकदम तो से जो है क्या हो जाती है उद्दीप्त तो हो जाती है आगे देखिए उसकी विरह वेदना जो होती है बहुगुणित तो हो जाती है झूल श्याम बिना घन श्याम घमंड में मेघ चहूदीस दूल अर्थात जो है बिरा संतप्त जुलेखा मोर और कोयल की जो है बारिश तो रही है साथ ही साथ उनकी बिना वेदना बहुगुणित तो हो जाती है जुलेखा का प्रिय उसके निकट नहीं है उसके बावजूद काले काले बादल उसके पास से गुजर जाते हैं अर्थात झूल श्याम बिना घनश्याम अर्थात बिना घनश्याम के एक प्रकार जैसे बादल जो उसके उसके, उसके पति बिना घनश्याम के ही अगर श्याम यहाँ पर बड़ी ही जो है बड़ी मार्मिक कथा श्याम और घनश्याम की तुलना अगर करें हम तो श्याम मतलब काला काले काले जो बादल होते हैं जिस प्रकार से ऐसे जुड़े इसका मतलब यह है कि काले काले जो बादल है उसके पति नहीं है उसके पास मतलब घनश्याम एक प्रकार से गोपियों से यहाँ पर तुलना करिए कि गोपियों के जैसे पति जब गोपिया घनश्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण अब घनश्याम मतलब कि भगवान प्रकार से जो है पतियो गोपी और कृष्ण की बात करी गई यहाँ पर तो घनश्याम नहीं है फिर भी जो है जैसे कि घनश्याम के ना रहते हुए भी जो है जो है स्त्रिया झूला झूले या फिर इस प्रकार की चीजें हों लेकिन वहां पर यहाँ पर ये चीजें आप नहीं लिखेंगे आप सीधे सीधे यहाँ पर यह लिखेंगे इसका मतलब सीधे सीधे गोपियों और उनसे तो लिया गया है कहीं ना कहीं पे लेकिन बात ये कहना चाह रहे हैं जो जूले मतलब ये जो है शेख निसार जी या कहना चाह रहे हैं कि उनका जो प्रिय है अर्थात तो उनके घनश्याम जो है Uh, जो है घनश्याम यानी कि जो शेख उनके जो uh, क्या नाम था उनका यूसुफ जो है उनके जो प्रिय है उनके पास नहीं है तो उनका जो है प्रिय उनके पास नहीं है इसके बावजूद भी जो काले काले यानी सीएम रूपी जो बादल है जो श्याम रूपी बादल है उनके घनश्याम के बिना बिना घनश्याम झूले श्याम बिना घनश्याम झूले श्याम मतलब की जो काले काले बादल है वो बिना घनश्याम के मतलब बिना उनके पति के ही क्या हो रहे हैं झूल रहे हैं झूल रहे मतलब की क्या हो रहे हैं झूल रहे हैं समझ में आई बात तो ये बादल जो है उसके काले काले बादल जो है उसके पास से होकर के बगल से गुजर रहे हैं और अत्यंत गर्भोन्नत होकर के ये मेघ चारों दिशाओं में फैल रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है जो बिरा वेदना के पीड़ा होती है वह उसकी और बढ़ जाती है अर्थात तो जब अः किसी के पति के ना होते हुए भी और तमाम प्रकार की चीजें उसके मतलब मान लेते जो अः जो मतलब संयोगावस्था में अच्छी लगती हैं वही भी योगावस्था में बुरी लगती हैं तो जो चीजें उसके संयोगावस्था में बादल अच्छे लगते थे वही आज बादल उसको दुख प्रदान कर रहे हैं और वो बादल उसके पति जब उस समय नहीं है तब भी वह बादल क्या हो रहा है झूल श्याम बिना घन श्याम घमंड में मेघ चौह दिश दूल है चारो दिशाओं में जो मेघ है बादल जो है वह क्या हो रहा है घूम रहा है घुमड़ रहा है तो इसी प्रकार से उसको और ज्यादा कष्ट की अनुभूति हो रही किसको जुलेखा को आगे देखते हैं ही आसन जोगी यती के निसार महारस घूंघट ही डोले ही आसन जोगी जति मतलब कि जोगी बैरागी जितने भी लोग साधु महात्मा होते हैं अधिकतर जोगी जति इन सभी के भी क्या हो गए हैं इन सभी इस ऋतु में क्या हो गए हैं इस ऋतु में एक प्रकार से क्या हो गए हैं एक प्रकार से इनके भी मन जो है स्थिर नहीं रह गए हैं इनके मन में भी चंचलता आ गई है और ये लोग भी अपने अपने मार्ग से विचलित तो हो रहे हैं कौन जोगी जती डोल ही आसन मतलब इनके आसन क्या हो रहे हैं डोल रहे हैं किसके जोगी जति के किसके निसार महारस घूंघट खोले शेख निसार जी कहते हैं शेख निसार जी क्या कहते हैं कि महारस घूंघट खोले महारस किसको कहा गया है महारस श्रृंगार रस को महारस कहा गया है अर्थात श्रृंगार रस को हम महारस या फिर रसराज के नाम से जानते हैं तो आपसे पूछे कभी कि रसराज किसे कहा था तो श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं रसराज कहते हैं तो एक प्रकार से निसार जी कहते हैं कि मानव रसराज ने अपना घूंघट खोल दिया हो अर्थात श्रृंगार रस जो है अपना घूंघट खोल करके और सभी लोगों को जो है काम वासना के प्रति पीड़ित कर रहा हो सभी में संयोग अवस्था की स्थिति को उत्पन्न करना चाह रहा हो इस प्रकार से जोगी और जति मतलब जोगी जो है योगी जितने भी साधु महात्मा होते इन सभी ये सब भी जो है अपने अपने जो है आसन व्यवस्था इनका मतलब की इनका भी जो है मन जो है अपने आप में विचलित हो रहा है मन जो है इनका स्थिर नहीं रह पा रहा है गो, मतलब घोलह मेघ बियोगिन को डूब मतलब को दुख डूब चातक बोल न बोल मतलब कि घोलह मेघ बियोगिन को अब इस प्रकार से क्या होता है चारों जो है एक प्रकार से प्रेम विरह में जो है तमाम प्रकार की जो सन्यासी वगैरह हैं सब डूब रहे हैं इसके बाद में क्या हो गया है इसके बाद में मेघ जल जो है बरस रहा है और उसके जल बरसण से क्या होता है कभी कहता है कभी को लगता है ये बादल जो है बिरहड़ी जुलेखा को दुख को घोल करके और अधिक बढ़ा रहे हैं जब बादल के घोल ही मेघ को दुख जो मतलब मतलब जो जो जुलेखा है उसको दुख प्रदान हो रहा है किसी कारण से मेघ में क्या हो रहा है मेघ में घुल रहा है क्या मेघ जो होता है मेघ की जो बारिश होती है मतलब जब बादल जो होता है मेघ मतलब बादल और जब बादल पानी बरसाता है तो जब बादल पानी बरसाता है तो उस पानी के बरसने से इसको दुख होता है इसके दुख में एक प्रकार से मिलावट हो जाती है और एक प्रकार से इसका दुख और बढ़ जाता है मतलब कहने का यह है कि इसके जो है जब मेघ बरसता है जल बरसता है इसके जल बरसने से कभी को यह लगता है कभी कहता है कि जो जो है बिरहड़ी जुलेखा होती है इसका दुख जो है और बढ़ जाता है इसकी जब जल बरसा होती है तो और अधिक इसका दुख जो है वो गाढ़ा हो रहा है बिरहड़ी जुलेखा जो है इस वियोग जन्य अनुभूति जो है इसका जो है मतलब कि मतलब इसका अनुभव करती है अपने मन में इस वियोगी अवस्था को जो है देखती है और दुख का अनुभव करती है चातक पंक्षी उसमें जो है इतना डूब गया है कि उसे अपना जो है क्या नहीं है उसे अपना बिरह याद नहीं आ रहा है और वह बोलना तक भी भूल गया है अब चातक पंक्षी क्या होता है चातक पंक्षी मैं बताना चाहूँ डूब है, चातक बोले ना बोल ही जिस प्रकार से चातक पंक्षी जो होता है ये कहती जुलेखा कि इस समय महारस ने मतलब घूंघट खोल दिया है मतलब कि रसराज से निशान जी कहते हैं कि रसराज ने मानो घूंघट खोल दिया है अब जो रसराज ने घूंघट खोल दिया है और इधर पानी भी बरस रहा है पानी बरसने के साथ ही उसके दुख में और मिलावट हो रही जल मिल रहे हैं और इस प्रकार से आंसुओं और जल मिल जा रहे हैं तो इस प्रकार से उसका दुख और बढ़ रहा है और दुख बढ़ने से क्या हो रहा है जैसे इस प्रकार से और इस समय और जुलेखा कहती है जुलेखा यह सोचती है कि चातक बोले ना बोले और उस समय जो चातक नाम का जो पंक्ति होता है जो कि चंद्रमा को हमेशा देखता रहता है और जो है हमेशा चांदनी रातों में वह बोलता रहता है वह भी जो इस समय चातक नामक पंक्षी जो है अपने प्रियतम चंद्रमा को याद नहीं करता है अर्थात वह चंद्रमा से हमेशा हमेशा चातक पंक्षी होता है हमेशा बिरा अवस्था में रहता है वह चांद को अपना पति मानता है लेकिन चांद तक वो पहुंच नहीं पाता इसलिए वह जुलेखा कहती है कि जो चातक नामक पंक्षी होता है वह भी इस समय अपने प्रिय को नहीं बुला रहा है मतलब कि चातक बोले ना बोले ही तो इस समय ऐसा जो है स्थिति है कि चातक भी अपने वियोगी अवस्था को नहीं बुला मतलब वियोगी चीजों को नहीं बुला रहे इसमें केवल यही मैं अकेली हूँ आगे लिखते हैं कि दादुर क्या है दादुर मोर अंदोर क्या लिखा भैया कि दादुर मोर अंदोर दादुर मोर अंदोर एक और घनघोर उत और बसे पवन झकझोर सोने मंदिर न जाए रही ठीक हाँ आगे देखिए दादुर मोर अंदोर एक और घनघोर उत और बसे पवन झकझोर मुंदे मंदिर न जाए रही मतलब इसका यह है मित्रों मतलब जो होता है एक प्रकार से यहाँ पर देखिए दादुर दादुर मतलब क्या होता है दादुर मतलब एक प्रकार से मेढक जो होता है उसी को हम दादुर कहते हैं आपने पढ़ा होगा एक जो है कविता पढ़ा होगा कि जो है जो है पंख बना हलचंदन मेघ बजे दादुर का कंठ खुला मेघ बजे हल्का है अभिनंदन मेघ बजे धिन 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 धा धमक धमक मेघ बजे दादुर का कंठ खुला मेघ बजे एक कविता आपने सॉरी एक कविता आपने बचपन में पढ़ी होगी अब जरा कविता आपने बचपन में पढ़ी होगी तो वहां पर दादुर का मतलब आपको पता होगा दादुर मतलब क्या होता है मेढक मेघा दादुर दादुर बोल रहा है मोर अंदोर मतलब अंदोर मतलब क्या होता है अंदोर मतलब होता है कोलाहल करना क्या होना बोलना एक प्रकार से दादुर और मोर जो है वह बोल रहे हैं एक और घनघोर उत एक और तो दादुर और मोर बोल रहे हैं और दूसरी ओर क्या हो रहा है दूसरी ओर जो हो रहा है घनघोर उत मतलब कि जो घटाए हैं जो बादल हैं एक प्रकार से गरज रहे हैं तो ये अपनी आवाजें कर रहे हैं एक एक और बादल गरज रहा है दूसरी ओर दादुर और मोर जैसे पंखी जो हैं सॉरी मोर नामक पंछी और जो मतलब मेढक जो है वह अपनी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे <गई> हैं जैसे जब देखते ना पानी बरसा तुर, तुर है, तो मेढक में ट्र हमेशा बोला करते हैं तो वह इसी प्रकार से आवाज निकाल रहा है मोर एक प्रकार से टोटो तो, मतलब जिस प्रकार से बोलता है मोर बोल रहा है और इस प्रकार से घटाएं जो है मतलब बादल जो है गरज रहा है बसए भवन चकझोर मतलब कि बस पवन झकझोर मतलब इस प्रकार से जो और इसके और इसके बाद में क्या हो रहा है इसके बाद में पवन का तीव्र प्रकार का झोंका चल रहा है अलग अलग प्रकार की हवाएं चल रही हैं सोने मंदिर न जाए मही मतलब जाए रही मतलब अब सोने मंदिर मतलब मंदिर मतलब होता है कि मतलब सोना मतलब कि खाली मंदिर मतलब घर न जाए रही मतलब कि न जाए रही मतलब जाने का मन नहीं कर रहा है तो जुलेखा कहती है कि जब दादुर और मोर दादुर मतलब मेढक और मोर जो होते हैं या कोलाहल कर रहे हैं बोल रहे हैं एक और बादल क्या हो रहे हैं गरज रहे हैं बसे भवन चकचोर पवन का झोंका जो है लगातार मेरे हृदय को झकझोर रहा है इस समय पति के विहीन घर मतलब जिसमें पति नहीं मेरा रह रहा है उस घर में सुने मंदिर सुने घर में जाने का मन नहीं कर रहा इस प्रकार से जो है आगे देखो भैया समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो लाइट ठोको मेरे प्यारे दोस्त आगे देखते हैं समय उजियारी हसी हस पिए ही लाग ही नारी तो शारद समय रैन उजियारी शरद ऋतु आ चुकी है अब अब क्या हो चुकी है अब जो है पावस सूर्य पावस ऋतु आपकी क्या हो चुकी है मतलब कि वर्षा ऋतु क्या हो गई है आपकी समाप्त हो चुकी है अब आपका जो है क्या आ चुका है शारद रैन आ चुकी है मतलब कि जो है क्या आ चुकी है भैया शारद शरद ऋतु आपकी आ, आ चुकी है उसमें आप मतलब विशेष में आप तमाम प्रकार की विशेष में एक ही चीज मतलब इसमें इसमें जैसे बियोग में लिखेंगे इसमें जब लिखेंगे इसमें देखिए कवित्व छंद है ये कवित्व है आपका ये सोरठा तो इसमें लिखेंगे कवित्व और सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें जब आप लिखेंगे तो इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ से अगर आपसे पूछे या फिर कहीं से पूछे यहाँ से पूछ रहे तो सोरठा और चौपाई का हुआ है तो आप इसे छंद लिख सकते हैं आप इसमें अलंकार कहीं कहीं पे बता सकते हैं आप अलंकार जैसे कि जब कभी कभी चीजें आए अलंकार वाली तो उसमें अलंकृत चीजें बता सकते हैं ठीक इसी प्रकार से पति के बिना जब घर सोना लगता है तो यह बात और भी लोगों ने बताई है कि पिया बिन नागिन काली रात मतलब जब प्रिय किसी के घर में नहीं रहते तो नागिन के समान काली रात जो होती है जब अंधेरी रात होती है और उसमें जब प्रिय उसके ना रहे या फिर उसके पति ना रहे घर में तो नागिन के समान जो है रात प्रतीत होती है यह बात भी ध्यान रखेंगे तो ऐसे आप बता सकते हैं कि पिया पियाबिन नागिन काली रात यह भी जो है इसके संबंध में कहा जा सकता है आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझ लेते हैं बहुत ज्यादा समय लग जाएगा अगला है शारद समय रैन उजियारी शारद के समय में क्या हो गया है रैन उजियारी मतलब अंजोरी रात आ चुकी है अब अंजोरी रात आ चुकी है मतलब रैन मतलब होता है शारद समय शारद का जो है ऋतु आ चुकी है सभी जो है मतलब सारी रातों में मतलब की प्रकार से शारद समय रैन उजारी मतलब रात में क्या हो रहा है उजाला हो गया है शरद के महीने में क्या होता है उजाला हो जाता है गृहिणी जुलेखा जो है वह शरद ऋतु की निर्मल चांदनी रात में जो है इसकी वर्णन करते हुए कहती है क्या कहती है कि शारद समय रैन उजारी हसी हंस पिए लाग हिनारी शारद मतलब शरद ऋतु रन मतलब रात उजियारी मतलब 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 की उजाले वाली रात तो सारा प्रकार तो से चांदनी रात जो है चांदनी रात में क्या हो रहा है समय मतलब होता समय सभी सभी मतलब समय मतलब सभी स्त्रियां क्या हो रही है? हैं हंस पिए है लाग ही नारी अर्थात तो जो है अंजोरी रात है अंजोरी रात में क्या हो रहा निर्मल है निर्मल चांदनी है शरद ऋतु की उस चांदनी में जो स्त्रियां होती हैं वह हंस हंस करके अपने प्रिय के गले से लग रही हैं ऐसा जो है स्थिति बताती है कौन जुलेखा आगे कहती है कि देख बियोगिन कंचन जोड़ी अर्थात जब यह स्थिति जो है कंचन की जोड़ी कंचन जोड़ी मतलब होता है एक प्रकार से सोने की जोड़ी अब कंचन जोड़ी मतलब यहाँ पर कंचन का मतलब यहाँ पर सोने की जोड़ी से तात्पर्य नहीं ले कंचन मतलब सोना नहीं लिया जाएगा मतलब ऐसा जीवन जिसमें पति और पत्नी एक साथ रहे मतलब सुखमय दाम्पत्य जीवन हो उसी को कंचन जोड़ी कहते हैं जब यह नारी के जो है प्रियतम रूप को या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखी देखते हुए जब बिहिणी मतलब योगिन जब देखती है देख बियोगिन मतलब दिव्योगिन मतलब क्या होता है मतलब जुलेखा है इसी को बियोगिन कहा गया अब यह जब यियोगिन जो होती है कंचन जोरी को देखती मतलब कि जो सुखी है स्त्री अपने अपने पति के पास है उन्हीं को देखती है मतलब चांदनी रात में और मतलब कि <laughs> चांदनी रात में अपने अपने पतियों के पास है और इस स्थिति को जब जुलेखा देखती है तो बहुत इसको कष्ट प्रदान होता है इसको यह दुख नहीं इस बात का कि इसके पति इसके पास नहीं है इसका पता है कि उसके क्यों उसके पास है मतलब ऐसा एक होता है स्त्रियों में ऐसे की भावना लेकिन यहाँ पर कभी ने इस बात को नहीं कहा यह सोचती भाई ऐसे एक गांव में कहावत है प्रचलित होगी आपको पता होगा कि भैंसिक सुख जब मरियम पड़े और रानी के सुख तब जब सबक मरे ये आपने एक अवधि में एक जो है कभी, जो सुनी होगी कहावत कि रानी के सुख जब सबके मरे और भैंसिक सुख जब क्या परे मरियम पर मतलब इसका यह है कि जो व्यक्ति जिसका पति ना हो मतलब जिसका पति मान लेते खत्म हो गया हो तो उसको सब सुख मतलब कि अभी मिलता है जब सारी की सारी के पति मर होगा राम फिर रामायण में रामायण रामचरित वाल्मीकि जी ने की है रामचरित मानस श्री रामचरित मानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने की है इसमें एक बड़ी मुद्दा समझिए यहाँ पर जिस प्रकार से सूर्य पंखा जो है सूर्य पंखा जब वहां पे रहती है रामायण के घर में और रामायण के घर में रहती है तो उसकी जब नाक और कान कट जाता है तो उसके बाद में उसका और ध्यान रखेंगे रा, का जो मतलब जीजा था यानी का पति उसका नाम था त्रिजिब्भा उसके जीभ में तीन कामे थे उसके जीव में तीन कामे थे उससे शादी हुई थी किसकी त्रिजिब्बा से शादी हुई थी किसकी इससे हुई थी भैया इसकी बहन से सूर्यपंखा से तो सूर्यपखा से शादी हुई थी किसकी त्रिजिब्बा की त्रिजिब्भा बड़ा ज्ञानी था उसके तीन जीव थी तीन जीव थी एक प्रकार से कोई भी बात जो होती थी वो बहुत पहले जानता था बहुत बड़ा पंडित था वो बहुत बड़ा विज्ञानी था उस समय का और रावण भी बहुत बड़ा पंडित था रावण पंडित विज्ञानी मन मैंने तुरंत विचार किया अब दोनों लोग बड़े बड़े विद्वान थे अब हुआ ऐसा है, दोनों लोग विद्वान थे मेरे प्यारे दोस्तों तो विद्वानता में क्या होता है कभी कभी जो तो है कंपटीशन में दिक्कत हो जाती है तब जब राम कोई बात बोलता तो तीन जीव थी उसकी तो एक प्रकार से एक ना एक जीव से उसकी एक एक बातें जो है काट देता था मतलब कि तमाम सारी बातों को कटाक्ष करता रहता था हमेशा से तो को यह बात बुरी लगती थी बड़े बड़े समाजों में जब राम कोई बात बोलता तो त्रिजिब्भा ऐसा नहीं साहब ऐसा होता है रावण को बहुत बात बुरी लगी बस एक बार राम को युद्ध हो रहा था देवासुर संग्राम में कुछ युद्ध हो रहा था उसी में इसने क्या किया पीछे से जो है रावण ने त्रिजिभ्भा को मार दिया और मारने के बाद में जो है अः चला अब यह बात श्रीपंका को जो है गोपनीयता से पता चली कि हाँ जो है राम ने ही मारा है तो अब भाई राजा थी वो कुछ कर नहीं सकती थी तो इसने क्या किया इसने ठान लिया मन में कि अब जो है पूरा का पूरा सा जो है खानदान ही मिटा देंगे अब यहाँ पर जो है मैं राण हुई हूँ लंका की कोई नारी ऐसी नहीं बचेगी जिसको मैं राण ना कर दू सभी को मैं जो है एकदम से विधवा बना दूंगी अब वो क्या करती है एक प्रकार से जाती राम जी के पास तो वहां पर तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं इसी बात को इंगित करते हुए कि तुम पुरुष न मोसम नारी तुम सम पुरुष नमो सम नारी मतलब इस तो सम पुरुष नमो सम नारी कहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे समान कोई पुरुष सुंदर जगत में नहीं है और मेरे समान सुंदर नारी कोई नहीं है उन्होंने कहा था कि मैंने भी राक्षसों के खात्मा का जो है प्रण लिया है सुरपंखा ने कहा राम जी से और मैंने भी यह प्रण लिया है इस प्रकार से तुम्हारे समान ना कोई पुरुष है न मेरे समान कोई नारी है यह बात वहां अर्थ यह था लेकिन लोगों ने पता लगा कि नहीं कि तुम्हारे समाज सुंदर कोई पुरुष नहीं है अब स्त्री पुरुष की जब बात हो आपस में बातें करें तो सुंदर जो है सुंदरता की बातें करेंगी मतलब की हाँ तुम कितने सुंदर हो तुम कितने अच्छे हो तुम्हारे पास कितनी शक्ति है ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं पे तो जब वही हमने बताया कि जब तो ये होता है कि जब राण के सुख जब सबके मरे

जब यह देखती है कि यह सभी लोग सुखी है और केवल मैं ही दुखी हूं तो इससे बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है इसके दुख को देख बियोगिन कंचन जोरी सारद जला दिया होलिकारी मतलब जिस प्रकार से जो जो ये मतलब शरद ऋतु में शरद की चांदनी में जो है यह जो शारद ऋतु में जो स्वच्छ चांदनी है जो एक प्रकार से चमक रही चांदनी है निर्मल चांदनी है इसमें जब स्त्री इस हाँ के अपने प्रिय के गले में लग रही हैं उसी समय जो सुले, जुलेखा है या ये सब देखती है इस दाम्पत्य जीवन को देखती जो सुखी है इस समय जो होता है इसको होलिका के समान जो है प्रतीत होती है कौन शारद जलाकर मतलब शारद जला दिया होलिकारी इस प्रकार से होलिका दहन देखे हैं गांव में होलिका होली आने वाली है तो जिस प्रकार से होली में क्या होता है जिस प्रकार से होली में क्या होता है होलिका दहन होता है जलती है होलिका उसी प्रकार से उसको मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा बिरा लग रहा है अब का ताप जो कि अंदर है तो होलिका की जो स्वच्छता चांदनी है शीतलता प्रदान करने वाली चांदनी है वह उसके जो है उसके शरीर का जो बिरा का ताप है उस बिरा के ताप को मैनेज नहीं कर पाती और वह कहती है कि जो यह स्वच्छ चांदनी है जो इस जो है चांदनी रात है यह चांदनी रात मुझे होलिका के समान प्रतीत होती है सारा जला दिया होलिकारी आगे समझो भैया अगर आज इसको समझ लेंगे ना तो फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप समझ जाएंगे बड़े समय भा प्रकाश अगस्त दिखावा भा प्रकाश अगस्त दिखावा मतलब कि अब प्रकाश हो चुका है अगस्त नाम का नक्षत्र जो है वह आ चुका है अगस्त नक्षत्र दिख गया और भा प्रकाश मतलब प्रकाश हो गया है अगस्त नक्षत्र जो है दिख गया है सरिता सागर नीर सुखावा सरिता सागर मतलब सभी नदियों में और जो है उसमें सभी पानी नदियों में और समुद्रों में क्या हो गया है सरिता सागर नीर सुखावा मतलब इन सभी में पानी की जो है कमी हो गई है सूख चुके हैं जब शरद चांदनी आती है तो क्या होता है चाकालीन चांदनी का निर्मल स्वरूप किया गया है अगस्त का नक्षत्र जब उदय हो जा हो जाता है पावस की ऋतु खत्म हो जाती है उसके बाद नदी और सागर के जल में क्या हो जाती है कमी हो जाती है इसी स्थिति को जो लेखा जो होती है अपनी बिरा अवस्था को आ, इंगित करते हुए कहती है क्या कहती है कि शरद चांदनी जो होती आती है तो जो है क्या होता है इस प्रकार से क्या होता है सारी चीजें जो होती है आ, सरिता सागर नीर ये मतलब नदियों में तालाबों में आ, जो है ये सब नीर मतलब पानी जो है सूख जाते हैं शरद चांदनी जब निर्मल देखते हैं लोग भा हमार बाउर कर लेखा मतलब कहती है मतलब यह कहती है कि मैं अब बावली हो रही हूँ इस बिराह अवस्था में जब सागर और इससे सभी पानी सूख जाने की स्थिति में जुलेखा की बिरा भावना को और अधिक उद्दीप्त हो रही है और कहती है कि मैं बावली हो रही हूँ मतलब बावरी हो रही हूँ देखिये बावर कर देखा मतलब बावर कर लेखा जब शरद चांदनी है जब ये सारी चीजें देख रही कि जो है सागर के पानी सूख रहे हैं सारी चीजें हो रही हैं तो वह अपने आप को एक प्रकार से पागल महसूस करती है बावली से प्रतीत करती है सब निश्च बीती गिनत तराई कहती है सब निश सब निश्च सब मतलब सारा निश मतलब रात बीती मतलब बीत गई गिनत मतलब गिनते हुए तराई मतलब तरई मतलब तरई मतलब नक्षत्र मतलब तारा देखिए तो सारी की सारी निशा जो है मतलब रात जो है क्या हो गई बीत गई किस में गिनती करने किसके तराई की गिनती करने में मतलब कि तारा गिनते हुए तारा को गिनते हुए सारी की सारी रात जो है जुलेखा की जो रात है वो कैसे बीत रही है सबने से बीती गिनत तराई वो माई गार्ड पूरी की पूरी रात जो है उसकी जो है नक्षत्र यानी तारा गिनती हुई बीत जा रही है सुख से मतलब सुख सोमय जिनके घर साई मतलब सुख सोम जिनके घर साई मतलब जिनके घर में उसके पति होते हैं वह सुख से जो है वह सो रही है अपने घर में लेकिन मेरी की तो पूरी की पूरी रात जो है तराई गिनते हुए में चली जाती तारा गिनने में चली जाती है आगे देखो सेज अकेल सोम तन जारी सेज मतलब होता है बिस्तर होता है बिस्तर जिस पर पति पत्नी लेटते हैं उसी को सेज कहते हैं सेज अकेल मतलब जब सेज अकेल सोम तन जारी सोम मतलब होता है चंद्रमा सोम मतलब क्या होता है, है, है चंद्रमा अर्थात जब क्या होता है जो लेखा जो होती है अपने बिस्तर पर अकेले सोई है अकेले सोई है जब वो शरद कालीन चंद्रमा की किरणें जब उस पर पड़ रही है सेज अकेले सोम तन यानी जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ रही हैं और वह अकेले जो है उस सेज पर मतलब बिस्तर पर सोई हुई है तो उसका तन जो है जल रहा है उसकी चांदनी से ठीक तो चांदनी जो कि शीतलता प्रदान करती है लेकिन शीतलता कब प्रदान करेगी जब उसका पति भी उसका प्रियतम भी साथ होगा लेकिन उसका प्रियतम साथ नहीं तो इस प्रकार से उसका सेज जो है उसकी जो सेज पर अकेली लेटी है तो चंद्रमा का जो प्रकाश आ रहा है वह उसके तन को क्या कर रहा है जला रहा है जस घायल का चांदी मारी जस घायल चांदी मारी इस प्रकार से मतलब की कहते हैं इस प्रकार से इसके जो है चांदनी जो है जो सोम मतलब एक प्रकार से सोम मतलब चंद्रमा सोम की जो चांदनी किरणें होती हैं वह एक प्रकार से उसको मार रही हैं उसके घायल मतलब उसको घायल करके उसको मारने का प्रयास कर रही हैं और उसके तन को जला रही हैं कब जब वो पर अकेली हुई हुई जुलेखा लेटी हुई है आगे बढ़ते हैं आगे है कि आगे भैया शरद समय पी चाहे शरद समय पीऊ चाहे से जाते कले जा मतलब यह जुलेखा कह रही है जुलेखा कह रही है कि हे प्रिय मुझे और अधिक घायल ना करो अर्थात मेरे प्रेम बाढ़ में मेरे हृदय को मत भेद और उसके बाद में क्या करो अब तुम जो है चले आओ इस प्रकार से मन में जो है अपने भाव उत्पन्न करती है कि शरद समय पियू चाहे सेजा मतलब कि शरद के समय में पिए जब नहीं रहते हैं उनके प्रिय या प्रियतम नहीं रहते हैं तो सेज जो होती है कांटे के समान चुभने लगती है धिक जीवन नहीं कटे मतलब फटे कलेजा कहती है कि मेरे जीवन पर धिक्कार है मेरा कलेजा क्यों नहीं फट जाता ऐसी स्थिति में मैं बार बार से जो है रो रही हूँ अपने प्रियतम को याद कर रही हूँ संजोगिन साजे सुख साजा अब यहाँ पर देखिए बार बार शेख निशाद जी इस बात को इंगित करते हैं किस बात को कि संजोगिन साजह सुख साजा अर्थात इस समय में सुख का सज्जा मतलब कि सभी लोग सुख साझा अब संयोगी साजे सुख साजा मतलब साजा मतलब क्या होता है सेज अब सेज मतलब बिस्तर बिस्तर पर सुख जो है ले रही है कौन जो जिनके पास प्रिय है जिनके पास प्रियतम है उनके वह जो है वह संयोगिनी स्त्री जो होती है वह जो है सुख कर रही है उस बिस्तर पर लेकिन उसी बिस्तर पर मुझे क्या हो रहा है अकेले सोम तंजारी जिस घायल का चांदनी मारी चांदनी रात जो होती है हमको जो चांदनी किरणें होती है सोम की चंद्रमा की वह मुझे घायल करके मारना चाहती हैं लेकिन उन्हीं वहीं पर संयोगी जो स्त्रियां होती हैं वह जो है सुख की अनुभूति कर रही हैं और बिस्तर पर सुख का अनुभूति कर रही हैं बरन चांदनी बसन बिराजा ठीक बरन चांदनी मतलब होता है बरन मतलब होता है एक प्रकार से क्या उनका बदन तो बरन मतलब क्या होता है उनका बदन और चांदनी मतलब क्या होता है चांदनी की जो किरणें होती हैं बसन मतलब क्या होता है वस्त्र और बिराजा मतलब उनके जो है मतलब बिराज रही मतलब सुशोभित हो रही है समझो बात तो जो संयोगिनी स्त्रियां हैं वह अपने सुख को मतलब उस जो है सेज पर मतलब जो है उनके सज्जा पर मतलब जिनके पास प्रियतम है वह ठीक ठाक मात्रा में सुख की अनुभूति कर रही हैं आगे बरण चांदनी बसन बिराजा और क्या हो रहा है चांदनी वस्त्र जो होते हैं उनके ऊपर जो है चांदनी वस्त्र एक प्रकार से पड़ रहे हैं चांदनी वस्त्र का मतलब यहाँ पे क्या है चांदनी के समान जो है उसके जो है वस्त्र पड़ रहे हैं मतलब जब उसके जो है वस्त्रों पर क्या हो रहे हैं वही स्त्रियां जिनके पास उनके पति हैं भांति-भांति के सुख संसाधनों से युक्त होकर के आनंद की अनुभूति कर रही है ऐसे आप लिखेंगे और उनके शरीर में चांदनी के रंग का जो है वस्त्र जो होता है वह हो रहा है जिस पर चांदी के सफेद तारों के फूल के किनारे लगी हुई हैं संयोगी साजे सुख साजा बरण चांदनी बसन बिराजा अर्थात तो उनके बरन पर उनके जो है शरीर पर चांदनी के समान बसन मतलब चांदनी के वस्त्र जो है विराज सॉरी चांदनी के समान जो है उनके जो है बदन पर वस्त्र जो है विराज रहे हैं सेत बादला सेत किनारी सेत बादला मतलब क्या होता है भैया सेत बादला मतलब होता है आपका मतलब चांदी के समान सेत मतलब होता है जो है श्वेत बादला एक प्रकार से सेत किनारी दुपट्टा बादला मतलब क्या होता है दुपट्टा मतलब दुपट्टे का क्या होता है किनारा सेत बादला सेत किनारी सफेद कलर का दुपट्टे के किनारे क्या हो रही है सफेद कलर की जो है किनारे लगे हुए हैं तो क्या बात कही कि सेत बादला सेत कुमारी बादला मतलब चांदी का चपटा तार और एक प्रकार से चांदी का चपटे तार की तरह जो होता है उसका प्रतीत होता है चांदी के चार तार की तरह जो बादला है मतलब उसका दुपट्टा जो है वह प्रतीत हो रहा है तो सेत बादला सेत किनारी मतलब उस बाद मतलब दुपट्टा उसका कैसा है शेत मतलब सब सफेद है हीरा मोती घन मतलब चंद घन सारी हीरा हीरे मोतियों से जड़ा हुआ बस हो रहा है कौन इस पर चांदी के सफेद तारों से क्या बना हुआ है किनारे लगी हुई हैं जो हीरा और मोती से जो है सजा हुआ है चांद और कपूर की सुगंध उसमें भरी हुई है इस प्रकार क्या हो रहा है अनेक जो है श्वेत वस्तुओं से जो है परिपूरित हुई कौन वह स्त्री जिनके पास उनके पति है सभत हो मतलब हो दुख अधिकावे मतलब सभे श्वेत मतलब जितने भी ये श्वेत वस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं उसको Osionfish. उसको दुख मतलब उसके दुख को और बढ़ा रहे हैं मतलब कि जो जुलेखा है उसके दुख को बढ़ा रहे हैं कौन जो श्वेत वस्त्र है उसके दुख को बढ़ा रहे हैं और श्वेत बहुत सो घन मन भाव मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब जो है श्वेत जो लोग उसके दुख तो बढ़ा रहे हैं श्वेत वस्त्र वस्त उसके दुख को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ वस्तुएं उसको एक प्रेरणा भी दे रहे हैं इसलिए वह उसे बहुत सुंदर के रूप में देख रही है और सुंदर लग रहे हैं श्वेत चीजें जो उसको है वह सुंदर लग रहे हैं आगे देखिए इस पर एक दोहा आ गया कि सेत भभूत रमाय मुख क्या सेत भभूत रमाय मुख कर जोगिन को तंत, को तंत धूनी लाऊ जाए कहा जा निर्मोही कंत मतलब अब सोचती है कि जो है सफेद वस्तुओं से प्रेरित होकर के जो लेखा जो है अपने मुख मंडल पर श्वेत विभूति लगाती विभूति भभूत जानते हैं श्वेत तो भभूति मतलब कि सफेद कलर की विभूति लगा लेती है अपने माथे पर और उसके बाद में हाथ में जो है जैसे योगी मतलब कि जोगिन बाला वियोगिनी देखते ना कि जो योगिनी होती है या फिर जो बहुत ज्यादा वियोग अवस्था में होती है फूल वगैरह पहन करके सफेद 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 वस्त्र पहन करके बातों में बहुत लगा करके एक बीड़ा वगैरा लेकर बजाते हुए मतलब तो बिरा से काम से पीड़ित स्थितियां जो होती है वो इस प्रकार से हो जाती है तो वही जो है धूनी धूनी मतलब की धूनी लाऊ जाए एक प्रकार से देखते ना एक गाना आया था कि मैं भले यु गाना है यार क्या बोलते हैं उसमें एक गाना जिसमें जो है अः धुआ खूब लगता है कि अंग समाज आ रहे मतलब ऐसे वो गाना एक प्रकार से यहाँ पर वैसे बन जा रही है कि मतलब एक प्रकार से काम वासना से पीड़ित वह स्त्री जो कि एक प्रकार से क्या हो रही है जोगिनी के समान प्रतीत हो रही है जो है बीड़ा ले रही है सरंगी जिसको कहते हैं सरंगी जैसा कोई वाद्य यंत्र है उसी को लेकर के या क्या कर रही है धूनी रमा रही है धूनी रमाना चाहती है और जहां पर उसका जो है निर्मोही कंत है जहां पर उसका जो पति है कंत मतलब पति जहाँ पर उसका निष्ठुर पति निर्मोही पति है वहां पर वो बजाते हुए वह जाना चाहती है इस प्रकार से मन में विचार है आगे देखते हैं कवित्व अब इसमें आप बता सकते तमाम प्रकार के विशेष है कि शारद के समय में जो अः सम्मुख धाम है इसमें जो है चंद्रमा की मानवीकरण किया गया है सोरठा और कवित छंद का प्रयोग सॉरी सोरठा छंद का इसमें इसमें आपका क्या किया गया है इसमें आपका चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है हंसी हंसी में पुनरक्ति अलंकार है शारद जला दिया हो रिकाले में खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पे दिखाई पड़ता है सरिता सागर नीर सुखावा में अतिशयोक्ति है मतलब सागर और समुद्र नदियों को सुखाने की बात करी वहां पर अत्यक्ति है सब निश्चित लाक्षणिकता दिखाई पड़ती है संयोगी साजे सुख साजा संयोगी सा, संयोगिनी साजा में क्या है संयोगिनी साजे सुख साजा में आपका जो है अनुप्रास अलंकार है साढ़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है सा सा सा, सा। यहाँ पर क्या है अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं इसी प्रकार से धूनी लाऊ जायता या मुहावरा है एक प्रकार से तो धूनी लाऊ जायता या मुहावरा है यहाँ पे देखिए यहाँ ठीक इसका प्रयोग किया गया है आगे देखिए तो ये सारी चीजें थे ये सब जो है आप लिख सकते हैं अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है अवधि भाषा का सुष्ट रूप दर्शन है ऐसे आप लिख सकते हैं या फिर अच्छा रूप दर्शन ये है आप ऐसे बता सकते हैं आगे देखते हैं भैया थोड़ा और एक कभी तगला है कि हाँ जो जरी बिरहा नल में कहती है जो लेखा की हाँ जो जरी बिरहा नल में यह प्रीत हमें दिन रात जरावे घायल प्रेम के बानते मोह बिन प्रीत स्वरूप लखावे और घायल और जरे मतलब जरो न जिये सब लोग सहाय तो दिखावे काहे न प्राण बचे सजनी धाम मतलब कहती है जुलेखा क्या कहती है जुलेखा कि हाँ तो जरी नल में मतलब हम तो जो है बिरणी जुलेखा कहती है अपनी स्थिति को बताते हुए कि प्रेम करने के उपरांत मैं तो बिराह की अग्नि में निरंतर दिन रात क्या हो रही हूँ जल रही हूँ प्रीत हमें दिन रात प्रीत मतलब की प्रेम करने के बाद में जो विरह अवस्था होती है दिन रात हमको जला रही है घायल प्रेम के बान मोह करे करेत स्वरूप लखावे मतलब जो होते हैं यह कहती है कि मेरे प्रिय अपना स्वरूप जो है मुझे एक बार तो दिखा दिया मतलब कि एक बार एक बार से अपनी झलक दिखा करके और बार बार से जो है बिना वेदना की बाढ़ मेरे शरीर को जो है हमेशा जो है प्रीत के बाण जो होते हैं प्रेम के बाण जो होते हैं हमारे बदन पर लगते हैं और हमें आपकी याद दिलवाते हैं आप तो एक बार जो है अपना चेहरा दिखा करके चले गए लेकिन दोबारा आपके जो है दर्शन नहीं हुए घायल घायल और जरो नजिए सब लोग सब है सन जो तो दिखावा मतलब कहती है मतलब क्या कहती है या कि प्रिय की इस दशा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जो लेखा जो होती है वह कहती है उसे निवेदन करती है अपने प्रति से कि मुझे एक अधिक जो है मुझे और अधिक घायल ना करो अर्थात तो जो है मेरे पर प्रेम बाण से मेरे हृदय को ना अभी अपितु पूरे समाज की उपस्थिति में मुझे अपना स्वरूप प्रदान करो मतलब सभी के सामने प्रकट हो मुझे दिखाई पड़ो घायल ना करो घायल ना करो जरो न जी मतलब घायल ना करो मेरे जीव को मत जलाओ सब लोग के सहे मतलब सभी लोग के सामने दिखाओ मतलब अपनी ज्योति दिखाओ अपनी झलक दिखाओ एक प्रकार से काहे न प्राण बचे बचे सजनी सारा कैसे मैं कैसा सम्मुख मतलब धावे इस प्रकार मैं इसमें अपने सखी से कहती है कि हे सखियो अब इसमें मेरा जो है सजनी अब मेरा इसमें जो है प्राण कैसे बचे काहे ना बचे मतलब काहे थे प्राण बचे अब कैसे इसमें मेरे प्राण बचेंगे सजनी नित्य शारद कैसे दिखावे नित्य प्रतिदिन मुझे जो है शरद ऋतु की या चंद्रमा जो है चंद्रमा की जो शीतल चांदनी है या मुझको दिखाई पड़ती है चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं लेकिन वह मुझे अग्नि के समान प्रतीत होते तो ऐसे में मुझे से रहा नहीं जाता तो ऐसे में जिंदा कैसे रहूंगी इस प्रकार से कहती है आगे देखिए सोरठा छंद है छोटा छंद है आपका कि लाग बिरा के बाण जरे बिरा की अग्नि सो और कह बचे प्राण शरद चांदनी की चिता मतलब की कहती है कि जो शरद चांदनी है मतलब कहती है कि शरद ऋतु द्वारा प्रताड़ित बिरहड़ी जो होती है है या लिखती मतलब कहती है और शेख निशाद जी लिखते हैं कि मुझे जो होता है बिरा का बाण जो है मतलब लग चुका है और वह जो है क्या हो रहा है बिरा की अग्नि में हमें जला रहा है अब मेरे प्राण नहीं बच सकते मतलब कह रहे कि शरद चांदनी की चिता शरद चांदनी की जो है चिता है शरद चांदनी की चिता जो है वह क्या कर रही है हमको जला रही कैसे और अब प्राण मेरे नहीं बचेंगे क्योंकि शरद चांदनी की जो चिता है मुझको जला रही है और किसकी अग्नि में बिराह की अग्नि में जला रही है जिस प्रकार से शरद की चांदनी जो है हमको बिराह अग्नि में जला रही है अब इसमें मेरे प्राण कैसे बचेंगे क्योंकि बिरा के बाण हमारे को व्यदित करें जब बिरा के बाण व्यदित करते हैं बिरा की अग्नि से मैं जलती हूँ और उसमें चीता का कार्य करती है कौन शरद की चांदनी जो है क्या करती है चीता का कार्य करती है और अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे इस प्रकार से मन में सोचती है कौन जुलेखा आगे देखिए भैया अगला अब हेमंत का बसंत आता मतलब हेमंत ऋतु आती हेमंत तो हेमंत तो हेमंत ऋतु हे, हेमंत प्रकटो पाला हवतन उठे बिरा क्वाला मतलब क्या है एक जुलेखा कहती है कि ऋतु हेमंत मतलब हेमंत का महीना मतलब ठंडी का महीना आ चुका है प्रगट्यो पाला अर्थात पाला जो है पाला पड़ने लगा है तो पाला पड़ने लगा है अब इसमें आप बता सकते हैं मतलब उसमें जो हमने बताया विशेष में आप उसमें बता सकते हैं कि अवधि भाषा का सफल प्रयोग है शरत चांदनी की चिता मतलब शरद चांदनी की चिता जो है में अतिशयोक्ति मतलब शरद चांदनी को जो है जो शीतलता प्रदान करती है उसको चिता के समान बताया गया है तो इसमें अतिशयोक्ति है आप ऐसे उसमें बता सकते हैं आगे ऋतु हेमत मतलब ठंडी का महीना आ गया है प्रगटियो पाला मतलब पाला जो है गिरने लगा है हम उठे ही बिरा का ज्वाला मतलब हमारे अंदर से बिरा की ज्वाला निकल रही है जब सभी लोगों को ठंडी लग रही तो हमारे जो है अंदर से गर्मी निकल रही है मतलब कि एक प्रकार से बिरा की ज्वाला जो है वो बाहर निकल रही है आवत जात दिन मतलब मतलब आवत जात न दिन निर्माए और रैन पहाड़ परे पुनियाए मतलब आवत जात मतलब दिन और मतलब आवत जात न दिन निर्माए मतलब कि सूर्य भगवान कब उदय होते हैं कब अस्त हो जाते हैं यह बात का पता नहीं चलता मतलब ठंडियों में दिन जो होता है बहुत छोटा होता है और आगे कहती कि रैन पहाड़ रैन मतलब रात पहाड़ मतलब पहाड़ के समान तो रैन पहाड़ परे पुनिया मतलब जो है यानी कि जो रात है वह पहाड़ के समान लग रही है हमको बहुत बड़ी लग रही है लेकिन जो जो है दिन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है भई जर आभा सब संयोगिनी मतलब भई जर आभा सब संयोगिनी मतलब यह कहती है कि व्यतीत हो रहा है कि, कि जिस प्रकार से यह कहती है कि सभी लोग जो है अपने अपने जो है सभी संयोग जो है अपने अपने जो है तेजपुंज से प्रभावित होकर के कंकन पंची की भांति अपनी ही बिरा अग्नि में जलती हुई विचरण कर रही हैं मतलब कि एक प्रकार से कहती है यह कि भई जरिया सब संजोगिनी औ कंकन में फिर बियोगिनी अर्थात कहती है कि हेमत ऋतु में मतलब कि हेमत कहते हैं गाँव वगैरह में हेमत आएगा मतलब की ठंडी के ऋतु में ठंडी के महीने में जब सभी संजोगिनी मतलब सभी जिनके पास पति है उनके वह तो मतलब की आनंद की अनुभूति कर रही है लेकिन इसमें क्या हो रहा है अव कंकन भाई मैं फिर बियोगिन मतलब मैं जो बियोगिनी हूँ जो लेखा कहते हैं कि मैं बियोगिनी जो हूँ ये कंकन पंक्षी के समान कंकन एक पंक् होता है और ककन सॉरी ककन पंक्षी जो होता है या एक प्रकार का ऐसा पंक् होता है जो कि क्या कहता है जब जब यह बोलता है या गाता है तो ककन पंक्षी जब बोलता है या गाता है तो इसकी चोंच से आग की लपटे निकलती हैं ऐसा कहा जाता है तो ककन पंक्षी जब बोलता है या गाता है तो इसके चोंच से आग की लपटे निकलती है और इसी आग के लपटों में उसका जो पंख हो होता है उसका सारा शरीर जो होता है वह जल करके भस्म हो जाता है इसी प्रकार से जुलेखा जो है वह कहती है कि मेरी जो है स्थिति समय ककन पंक्षी के समान हो गई है कि सभी लोग जो है संयोग अवस्था में है और मेरी वियोगा अवस्था केवल चल रही है और जिस प्रकार से ककन पंक्षी जो होता है अपने बोलने के कारण से अपने स्वयं में भस्म हो जाता है उसी प्रकार से मैं अपने कारण से एक प्रकार से अपने आप में ही वियोग हूँ अगला है बदन जुरावा सब नर नारी बदन जुरावा सब नर नारी सभी बदन मतलब बदन मतलब होता है शरीर जुरावा मतलब की ठंड हो चुका है मतलब जुड़ाई ही गया है मतलब एक प्रकार से सभी लोग अपने अपने चीजों में सब ठीक ठाक मात्रा का कर रहे हैं ठंडी का महीना ठंडी में सभी लोगों को ठंड लग रही है सब नदारी मतलब सभी नदारी को जो है सभी लोग जो है क्या हो उसका सभी का बदन क्या हो गया जुराएगा जुराएगा मतलब कि ठंड हो गया सभी का बदन ठंडी से क्या होगा ठंड हो गया सभी का बदन या फिर शरीर बिछुले प्राण जाए लेकिन इस समय में क्या हो रहा है कि हमारे प्राण जो है मेरे जो है प्राण पखेरु जो है मेरा साथ नहीं दे रहे हैं उड़ना चाह रहे हैं अब जाना चाह रहे हैं बिछुरे प्राण जाय दुखारी मतलब मुझे दुखारी के प्राण जो है मुझे छोड़ना चाह रहे हैं ये एक पिछ यक पिछ दूके हुए क्या लिखा भैया कि यकयक पिछ दूके हुई अब ठंडी के महीना में का होता है भैया कि एक दूसरे की इतना ज्यादा कुल सब चिपक के सोते हैं कि भले ही जो है चार छह रजाई घर में रखी हो लेकिन एक रजाई में लोग सोते हैं कि दो दो लोग एक साथ ही सो जाते हैं तो कहते हैं कि यक यक मतलब कि यक याक, यक बिच पिच मतलब होता है बिछौने पिच मतलब बिछौना एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं मतलब बिछौना नहीं ओढ़ना तो बिछ मतलब होता है बिछौना मतलब बिछाने वाला कोई बिछौना कहते हैं और जो ओढ़ना होता है उसी को हम उसी को पिच भी कहते हैं पिछ मतलब ओढ़ना होता है दुह मतलब कि दुई के हुए मतलब कि यक अलग अलग दुईनों के क्या होता है दुई जो है अलग अलग ओढ़ना होता है अलग अलग मिलके वो मतलब मिलके उपारण सोई मतलब कि अब यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि दुई दुई ठू मतलब कि घर में पति और पत्नी जो संयोग अवस्था में है तो वो उनके पास जो है दोनों दोनों लोगों के ओढ़ना जो है अलग अलग है अर्थात दुई रजाई है यक रजाई में पत्नी अगर अलग बढ़ सकती है रजाई में पति जो है अलग बढ़ सकत है लेकिन यक यक मतलब यक यक हुए मतलब दोनों लोगों के यक यक ठू अलग अलग ओढ़ना है लेकिन फिर भी मिलके मिलके ओढ़ उपारण सोए मतलब क्या कह रही है मतलब क्या कह रहे हैं जुलेखा कह रही है कि ये लोग जो है संयोगनी लोग जो है वह जो है उनके पास अलग अलग ओढ़ना तो है लेकिन वह अपने ओढ़ने में नहीं ओढ़ती है और एक एक जो है दूसरे मतलब अपने अपने पत्नियों के साथ जो है चिपक करके और उसी एक ही ओढ़ने में ओढ़ती है और एक ऊपर न सोए मतलब होता है मतलब एक प्रकार से चिपक के आराम से लेटी हुई है मतलब कि ठंडी के महीने में सभी लोगों एक साथ लेटना चाहते हैं तो वही बता रही है कि मिलके न सोए ककन बिछ ककन बिछ सब यह हरित माही ककन स... मतलब ककन बिछ सब यह हरित माही ककन सब यारे सबमाही नित नित बिर अगिन निकशाही मतलब कि क्या जिस प्रकार से ककन बिक्ष मतलब ककन पक्षी जो होता है वह जब बोलता है तो उसके क्या होता है नित नित बिरा जो होता है अगिन निकशाही मतलब कि उसके अः आ मुँह से आग निकलती है और उसके सारे के सारे ओढ़ने को सारे के सारे पंछी को भस्म कर देता है उसी प्रकार से मेरे जो अंदर से जो अग्नि निकल रही मेरे के अंदर की जो गर्मी यानी ताप जो निकल रहा है जो लेखा कहती है वह क्या कर रहा है जो मेरा ओढ़ना है बिछ है उसको भस्म कर रहा है जिस प्रकार से जब ककन पक्षी से मुख से जब वह बोलता है गाता तो आग निकलती है और उसके जो है पूरे के पूरे पंख को पूरे के पूरे शरीर को जला करके राख कर देती है उसी प्रकार से मेरे बदन की गर्मी से क्या हो रहा है जो मेरा ओढ़ना है वह भी जल रहा है बिछ सब यह हरित माही नित नत मतलब तन बीरा निक मतलब मेरे नित, नित नि मेरे मतलब जो है शरीर से इतनी आग निकल रही है मतलब एक प्रकार से यहाँ पर अलंकार है आप कुल में लिख देंगे अत्यक्ति कोई दिक्कत नहीं होगी अत्योति खूब कूट कूट करके मरी हुई अब भैया शरीर से आग निकले तो तू थो बचबू मर जाबू ना लेकिन तो अब यहाँ पे जो है कभी ने कल्पना करी है इतनी ज्यादा ऐसे सभी लोग मलिक मोहम्मद जायसी को भी देखेंगे चाहे और भी लोगों को आप देख लें सभी लोगों ने ऐसे ही किया है आगे हैं।। देखते हैं अपने पंख ते पावक झारा अपने अपने पंख ते पावक झारा और अपने अगिन हुए छारा मतलब जिस प्रकार से कंकन हमने बता दिया कंकन पंखी जो होता है जिस प्रकार से अपनी ही आग में क्या होता है अपने पंख ते मतलब पावक झारा अपने ही पंख को अपने ही आग से अपने ही द्वारा उत्पन्न आग से जिस प्रकार से कंकन पंखी जा लेता है अगिन हुए जर मतलब जा छारा हो चकई होकई जा मतलब की जाग बिताऊ चकई जो होती है चकई प्रकार से पंक्षी होती है चंद्रमा को देख देख करके अपनी पूरी रात बिता देती है इसी इसी प्रकार से चकई मतलब मतलब रात जाग मतलब जाग करके बिताती जिस प्रकार से चकई पंक्ति जो होती है और जग करके रात बिताती है जैसे बूढ़त मा था न पाऊं उसी प्रकार से मेरी भी रात जो होती है यह बीतती चली जाती है और जुलेखा कहती है जुलेखा कहती है क्या कहती है कि जिस प्रकार से अर्थात जिस प्रकार से जल में डूबता हुआ व्यक्ति धरातल प्राप्त करने में असमर्थ होता है उसी प्रकार आज से रोकर उधर भटक रही हूँ ठीक इसी प्रकार से जुलेखा कहती है कि बाढ़ा बिरा रैन इस बाढ़ अर्जे पे महा ये गाढ़े इस प्रकार से जुलेखा कहती है जुलेखा क्या कहती है कि हो चकई मतलब समझ गए ना बाढ़ा बिरा रैन जस बाढ़े इस प्रकार से बिरा जैसे ऐसे जैसे बूढ़त मा था न पाई पाऊं मतलब कि जिस इस प्रकार से मैं उसमें बूढ़ती चली जा रहा हूँ मुझे था भी कुछ नहीं है जैसे जैसे रात बीती जा रही है उस रात में मुझे कुछ पता नहीं चलता था ना पाऊं मतलब कि मुझे कुछ मतलब होश हवास नहीं है जैसे बूढ़त मा था ना पाऊ जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जो होता है बूढ़ रहा होता है जैसे मान लेते हैं कोई समुद्र या फिर कोई तालाब है उस तालाब में हम नहाने जाए और आप उसमें डूबने लगी और डूबते के समय में आपको जब डूबने लगते हैं आपको जिस प्रकार से आपके पैरों को धरातल नहीं मिल पाता है उसी प्रकार से उसी प्रकार से था नहीं मिलती है किसकी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी डूबते हुए व्यक्ति को जमीन नहीं मिलती है उसी प्रकार से था मतलब जो है जुलेखा को था नहीं है कि वह क्या कर रही है वह पूरे होशो हवास को खो बैठी है तो इसी प्रकार से चलते चलते ही खो जाता हूं मैं और उस प्रकार से जो है क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है तो यही बात यहाँ पर बताई गई है बाढ़ा बिरा रैन जस बाढ़े इसी प्रकार से बाढ़ा बिरा बाढ़ा मतलब ज्यादा हो गया बिरा मतलब क्या हो गया की बिरा अवस्था जो हो गई बाढ़ा कब बाढ़ा बिरा कब बढ़ी रैन रैन मतलब कि जिस प्रकार जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे, वैसे बिरा क्या हो रहा है वह भी बढ़ रहा है बाढ़ा बिरा रैन जस बाढ़े और उछे प्रेम फांस ही गाढ़े और प्रेम के फांस में मैं वैसे फंसती हुई जा रही हूँ और प्रेम का फांस जो होता है बहुत ही क्या है गाढ़ है मतलब बहुत ज्यादा कठिन है आगे देखते हैं निश हेमंत पहाड़ भय बिन प्यू कटे रैन और जाग बियाहू रैन दिन जाड़ करे बे चैन क्या कहती है क्या कहती है भैया कहती है कि जो, ले, जो लेखा है की हेमंत ऋतु जो है हेमंत ऋतु मतलब हेमंत मतलब निशा निश्च मतलब रात हेमंत मतलब की ठंडी वाली पहाड़ मतलब पहाड़ के समान भाई मतलब हो ही गए मतलब जो रात है जो हेमंत की रात है जो ठंडी की रात है वो पहाड़ के समान जो है दिखाई पड़ रही है बिन प्यू न रैन मतलब कि बिना प्रिय के बिना प्रियतम के यह रैन जो है मतलब रात जो है वह कटती नहीं है जाग बियाहू रैन दिन मतलब कि कितना जो है मैं जागू इस रात में रात दिन जागते हुए क्या होता है मेरा पूरा का पूरा दिन जो है राज मतलब की रात दिन जागते हुई बीतता है अब ऊपर शीत जो है भी गिरती है जाड़ करे बेचैन मतलब एक प्रकार से कब तक मैं जागू कब तक रात और दिन मतलब रैन और दिन मैं जाग भी आहूं जाग भी आहूं रैन दिन मतलब कब तक रात और दिन को मैं जाग करके बिताऊंगी पाले पड़ते हैं इसमें पाले से बेचैन होती रहती हूँ इस प्रकार से यह रात है कटती नहीं है ऐसी बोती अगर पिए होते तो पाला वगैरह कुछ ना जान पड़ता और इसी प्रकार से जिस प्रकार से संयोगावस्था में जो स्त्रियां हैं इस समय

छाई गयो सगशीत निसार लगे खग कोल करे सरसो और कैसे कटे यह रैन पहाड़ सी हियो सरसो देखो कौन बसंत समय सब ठाड़ सती से बने बसे सरसो हेवंत के ऋतु में सखे अब आखिने फूल गई सरसो सरसो का मतलब जानते क्या होता तो है सरसों का यहाँ पर कई अर्थ होता है एक सरसों का मतलब होता है सरोवर पहले सरसों का, मतलब सरसो का मतलब होता है सरोवर दूसरे सरसों का मतलब आपका होता है बाढ़ तीसरे सरसों का मतलब होता है सिर से पैर तक और चौथे सरसों का मतलब होता है सरसों नामधारी जो वनस्पति होती है सरसों का जो पेड़ होता है तेल वाला वह वा, तीन सरसों यहाँ पे चार सरसों एक सरसों दो सरसों 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 तीन सरसो, चार सरसो, चार सरसो आए हैं और चारों का अर्थ जो है यहाँ पर अलग अलग है ठीक ध्यान रखेंगे जैसे कनक कनक तेज सौ गुनी माँ दक्ता दिखाई या पाए बहुराय जगवा वह खाए तो कनक कनक यहाँ पर क्या है एक प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार है यहाँ पर अलग कनक कनक का मतलब दोनों का अलग अलग है इसी प्रकार से जो है पानी जो है इसमें जो है कहीं ना कहीं पे दिखाई पड़ेगा शायद अलंकार है जो तो जो है इसमें जो है इसमें पानी वाला उदाहरण सकते रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन पानी गए उबरे मोती मानुसून तो इसी प्रकार से इसमें सरसों सरसों कई बार आया है और इसमें क्या हुआ है यहाँ पर श्लेष और यमक अलंकार की पुष्टि भी हुई है आप ऐसा भी बता सकते हैं ध्यान रखेंगे इतनी बात ओके साथ ही साथ आप और भी है, जो है यमक अलंकार कसे कटे यहा रैन पहाड़ सी कैसे कटे यह रैन पहाड़ सी इसमें भी जो है आप जो है यमक अलंकार देख सकते हैं कविता और सकते हैं इसमें प्रयोग हुआ है आगे देखते हैं छाए गयो जग शीत निसार मतलब अब क्या हो गया शीत जो है छा गई है लगे खग कोल करे सरसो मतलब क्या है भैया मतलब जो है जो कहते हैं कि पर जो है सर्वत जो है शीत का प्रभाव फैल चुका है और जो है इस वातावरण में की उपस्थिति में क्या हो रहा है जलीय पंक्षी जो है सरोवरों में केल क्रीड़ा कर रहे हैं तो एक जो है सरसों का मतलब हमने बताया था सरोवर होता है तो जब क्या चारों तरफ जो है शीत फैल चुकी है मतलब ठंडी का महीना शीत फैल चुकी है लगे खग मतलब जो खग जो होते हैं जो जो है पंक्ति होते हैं मतलब कि जो वृक्ष जो है पानी में पाए जाने वाले जो है जीव जंतु होते हैं वह क्या कर रहे हैं खेल करें सरसों मतलब सरोवर में क्या कर रहे हैं खेल कर रहे हैं जल क्रीड़ा कर रहे हैं और कैसे कटे यह रैन पहाड़ सी जो लेखक कहती है कि यह जो है रैन जो है मतलब रात जो है पहाड़ के समान जो है और कैसे कटे बेधे जोनाए हियो सरसो बेधे जोनाए हियो सरसो मतलब की जो बाण के समान जो बिरा बेदने की जो बाण है ये मेरे जो है विरह मतलब की लग रहे हैं तो इस बिरा बेदना तो के बाण जो मेरे लग रहे हैं तो इसमें जो है यह रात कैसे कटे आगे कहते हैं तो यहाँ पर सरसों का मतलब क्या है सरसों का मतलब यहाँ पर क्या है बाण है तो बाण जो है वह उसके हृदय को बेध रहे हैं जब उसके हृदय को बेध रहे हैं सरसों मतलब की सरसों मतलब जो है उसका बाण और हिया मतलब हृदय को जोहाय मतलब बेध रहे मतलब जोहाय मतलब उसके लग रहे हैं और एक प्रकार से बेध मतलब कि उसको बेध रहे हैं मतलब कि है. एक प्रकार से, मतलब से बोल सकते हैं आप कि जब यह रात उसको कैसे जो लेखा कहती है कि यह रात कैसे कटे जिस रात में जो है जो है प्रिय के जो बाढ़ होते बिरा के जो बाढ़ होते वह मुझको जो है मुझको घायल कर रहे हैं आगे देखिए देखोगे कौन बसंत समय जब और ढा सती से बसे बसे सरसों मतलब देखोगे कौन मतलब कह रही है कि जो है इसी हेमंत अब जो है अगले सरसों का मतलब होता है अगले सरसों का मतलब से पैर तक अगले सरसों का मतलब है कि हेमंत कालीन चंद्रमा के किरणे हृदय को निरंतर जो है क्या कर रही है निरंतर वो तो अगले जो है अगले जो है बाढ़ के समान व्यतीत कर रहे हैं हेमंत काल में जो हेमंत में जो शरद की चांदनी जो किरणे होती है वह उसके हृदय को बाढ़ के समान प्रतीत होती है ये इस लाइन की व्याख्या में आपने आपको बता दी इन इस लाइन की व्याख्या देखोंगे कौन बसंत समय सब अब बसंत के समय को कौन इस समय जो है बसंत के समय की व्याख्या कर सकता है जबकि तो क्या हो गया है जो लेखा कहती कि बसंत के इस समय को कौन देखेगा जबकि क्या हो रहा है जबकि चारों ओर क्या हो रहा है पलास के बन में क्या हो रहा है सिर से पैर तक क्या हो रहा है लाल लाल फूल जो है युक्त हो गए पलास के जो फूल है उसको एक प्रकार से क्या बताया गया है कि लाल लाल जो है पुष्प हो रहे हैं और वो लाल लाल जो फूल है वह जो जुलेखा को आग के समान प्रतीत होते हैं ध्यान रखें ध्यान रखेंगे यह पुष्प जो होते हैं उसको देख करके वह सोचती है कि मतलब कि एक प्रकार से देखोगे कौन बसंत समय जब धाह सती, ढाह सती मतलब होता सती एक प्रथा चलती थी सती प्रथा में लोग क्या होती थी ढा कर देती थी कूद पड़ती थी अपने जो है पति के चिता में ही तो जो सरसों होता है मतलब कि जो एक प्रकार से जो सिर से तक के पैर तक के जो है मतलब कि चमकने वाला जो वृक्ष होता है पलास का वृक्ष पलास के वृक्ष में लाल लाल फूल जो होते हैं वह ऐसे प्रतीत तो हो रहे हैं जैसे कि क्या हो रहा है पलास के वृक्ष जैसे लगा हुआ है वैसे प्रतीत हो रहे हैं और प्लास के वृक्ष जो लाल लाल है वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कोई स्त्री हो जो आत्मदाह कर रही हो आत्मदाह मतलब कि सती हो रही हो ठीक वैसा प्रतीत हो रहा है अगर देखिए हेमंत के ऋतु में सख सक सखी से कहती है जो है कि हे सखी संबोधित करते हुए कि हे सखी हेमंत के महीने में हेमंत के ऋतु में हेमंत के ऋतु में ठंडी के महीने में अब आंखें फूल गई सरसों मतलब अब आंखों में पीलीमा छा गई है मतलब सरसों के फूल पीले होते हैं तो आंखों में मेरी पीलीमा छा गई है मतलब मेरी आंखों से कुछ नहीं साफ दिखाई पड़ता मतलब मैं एक प्रकार से असमर्थ से मेरी जो अवस्था है एक प्रकार से बहुत ही विरहनीय है आगे देखते हैं अगला है अगला आपका है कि आगे देखिए भैया हेमंत ऋतु अति गाढ़ जनावय आन तन और घटा दिवस दिवस और आगे बिरा बिहाय तन मतलब हेमत ऋतु अति गाढ़ हेमत ऋतु जो है जिसके स्त्री के पास में उसका पति नहीं रहता उसके लिए हेमत ऋतु जो होती है वह बहुत गाढ़ होती है मतलब बहुत ज्यादा कठिन होती है तो हेमत मतलब ठंडी का महीना बहुत ज्यादा हेमत का ऋतु जो है बहुत जो है कठिन बीत रहा है कब जाड़ जनावयान तन इसमें क्या होता है जाड़ मतलब कि जब ठंडी लगती है पाला पड़ता है तो तन मन की शुद्ध जो होती है मैं अपने पति के उसमें मतलब कि उसी के बारे में सोचती रहती हूँ जब जाड़ आता ठंड लगती है जो लेखा करती तब मुझे यह याद होता है कि हाँ मैं हूँ और घटा दिवस निस निशबाड़ मतलब घटा दिवस मतलब घटा मतलब कम हो गया दिवस मतलब दिन की कमी हो जाती है इसमें और निस मतलब की क्यों है जो निशा मतलब रात ही होती है वो बढ़ जाती है आगे बिरा बिहायतन मतलब क्या होता है इसमें जो होता है बिरा जो के मारे से मेरा जो बदन जो होता है प्रकार से जल रहा है जिसमें सभी लोग क्या हो रही हैं जिसमें सभी लोगों के शरीर पर क्या हो रहा है पाला पड़ रहा है ठंड की महसूस कर रही है उस समय मेरा जो है बिराज हो रहा है वो बढ़ रहा है अधिक हो रहा है इसके कारण से मेरे प्राणों से जो हो रहे हैं तो मतलब मेरे प्राण जो है मेरे शरीर को छोड़ देना चाहते हैं आगे बिरा बिहाय तन मतलब कि मेरे तन से जो होते हैं बिरा के माध्यम से जो तन से मेरे क्या हो रहे हैं दुख जो है प्राण जो है छोड़ना चाह रहे हैं आगे देखिए लाग शिशिर शिशिर ऋतु लग चुकी है और शिशिर ऋतु लग चुकी है अब शिशिर ऋतु में क्या बात कही जा रही है शिशिर ऋतु लग चुकी है और लाग शिशिर ऋतु चित्त बैरागी और पवन उदास भय अब लागी मतलब अब जो है एक प्रकार से क्या लग गई है शिशिर ऋतु लग गई है शिशिर ऋतु में जो है एक प्रकार से चित्त जो है एक प्रकार से बैरागी हो गया है पवन जो है पवन मतलब जो हवाएं हैं वो क्या हो रही उदास हो गई मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही है इसमें शिशिर जो है एक प्रकार से क्या है शिशिर मौसम आ गया है उसमें क्या हो गया है उसमें पवन जो है उदास हो गई उदास होना का मतलब होता है एक प्रकार से क्या उदास होना का मतलब होता है कि वह जो है शिशिर ऋतु के आगमन के साथ क्या हो रही है जो चेतना होती है वैराग्य जो से समन्वित होती है उसकी जो बिरहनी है जो यूसुफ जो जुलेखा है वह वैराग्य धारण करना चाहती है अर्थात जो है वो पांच ऋतुओं के बीत जाने के बाद में जुलेखा जो है अपने प्रिय का आगमन उसके जब नहीं होता है तो वह निराश हो जाती है और निराश होने के बाद में वह कहती है बैराग धारण कर लेंगे हम और इसी प्रकार के साथ ही साथ शिशिर ऋतु में शिशिर ऋतु के प्रभाव के कारण से क्या होता है वायु जो होती है वह धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है ठीक तो मालीन उस आगे तो ये बताइए यहाँ पर कवन उदास भय अबलागी असन बसन सुग सुहावन असन बसन मतलब क्या होता है अन्न और वस्त्र ठंडी में महीने में क्या होता है ठंडी महीने में क्या होता है शिशिर ऋतु में क्या क्या होता है शिशिर ऋतु में आपको जो है क्या होता है शिशिर ऋतु में आपका क्या होता है शिशिर ऋतु में आपको बहुत अच्छा खाना कपड़ा लगता है असन मतलब होता है अन्न बसन मतलब होता है कपड़ा असन बसंत उग सोहन खाना और कपड़ा जो बहुत अच्छा लगने लगता है श्री पंचमी चाह जनावन श्री पंचमी मतलब बसंत पंचमी का समय आने यानी इस समय की बात हो रही है इसी समय को हम शिशिर ऋतु कहते हैं इसी समय जो चल रहा है इस समय खाना भी अच्छा लग रहा है कपड़ा भी अच्छा लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है और इस समय क्या हो रहा है श्री पंचमी मतलब बसंत पंचमी बीत चुकी है बसंत पंचमी जो है बसंत पंचमी आने वाली है चाह जनावन अंग ते अंग कीन उत्साह अंग अंग से उत्साह से क्या हुआ है भरा हुआ है किसमें सभी ना नारी में जितने भी जो है समाज के नर ना नारी है उनमें बसंत ऋतु मतलब बसंत ऋतु आने वाली है सभी के मन में उत्साह भरा हुआ है सब अंग प्रतंग होकर के उत्साह से फूल फर रहे हैं सभी लोग डांस नृत्य कर रहे हैं उपजे उनके मन में क्या हो रहा है सभी ना नारी के मन में अंग अंग उत्साह भरे हुए हैं हरा भय हरफ डे डी उफली सब बजने लगी तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं और बजने लगते हैं कामिन काम आय मन जागे मतलब कि जो स्त्रिया होती उनको उनके पति जो है उनके मन में जो है काम वासना जागृत हो रही है स्त्रियों के मन में क्या हो रही काम वासना जागृत हो रही है आय मन जागे जब वो डफली बजती है डफली के प्रभाव से जो कामनिया होती जो स्त्रियां होती, होती उनके मन में काम वासना जागृत होती है चौदीस उड़े गुलाल अबीरा चारों दिशाओं में गुलाल और अबीर उड़ रहे हैं कह भी धरे बिरहीन धीरा यही भी आप जब इस समय इतनी सारी स्त्री चारों दिशाओं में गुलाल उड़ रहे हैं सभी जो है स्त्री अपने मतलब सभी स्त्रियों को काम की भावना पीड़ित कर रही है काम के बाण चल रहे हैं डफली बज रही है सभी लोग नारी उत्साह से नृत्य कर रहे हैं डांस कर रहे हैं पंचमी के मौसम का स्वागत कर रहे हैं मतलब बसंत पंचमी का स्वागत कर रहे हैं सभी लोगों को अन्न वस्त्र सबको अच्छा लगता है इसी समय जो होता है पवन जो होती उदास मतलब धीरे धीरे चलती है और शिशी ऋतु का समय है सभी और बैराग्य धारण करने की स्थिति में कौन है जो आपकी बैराग्य धारण की स्थिति में है और अब इसमें कहती है ये चारों दिशाओं में सारी चीजें जब सभी दिशाओं में हो रही हैं अब ऐसी दशा में जो जुलेखा है वह कहती कह विधरे मतलब कह विध धरे बिरहीन धीरा मतलब जुलेखा कहती किस विधि से मैं जो है अपने मन में धीर रखूं किस तरह से मैं अपने जो है अपने धैर्य को धारण किया था कर्म, प्रधान करे जो जस्ट तो कर्म के जो है चीजों को यहाँ पर इंगित किया गया अर्थात कर्मवाद को जो है यहाँ पर बढ़ावा देते हुए सारी चीजें करी गई है ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखेंगे देखेंगे यहाँ पर पूर्व जन्म काम कर पाप मतलब पूर्व जन्म कर पाप कमावा जुलेखा कहती कि क्या करें भाई अब, अब अगले जन्म में लगता है मैंने पाप कर्म किया था इसलिए हमको जो है यह सब जो है यह दुख मिल रहा है जो यह समय बिरा दुख पावा जो यह यह समय दुख मिल रहा है हमने लगता है पहले जमाने में बहुत ज्यादा जो है अगले जन्म में बहुत ज्यादा क्या किया था बहुत ज्यादा क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा क्या किया था अगले जन्म में हमने बहुत ज्यादा पाप किया था यह दुख जो है हमको इस जन्म में मिल रहा है फाग मतलब होता है होरी फाग मतलब क्या होता है होली मतलब रंग एक प्रकार से होली का महीना इसी समय आ रहा है गुलाल वगैरह उड़ रहे हैं फाग मतलब क्या होता है होली फागुन के महीने में सॉरी फागुन मतलब एक प्रकार से होली होता है फगुई कहते हैं फगुई पंचमी तो फगुई कहते हैं फाग फगुई कहते हैं इतिहास मतलब की देहाती भाषा में फगुई कहते हैं होली को तो वही फाग का मतलब आ चुका है तो जो है खेले ही खेले फाग मतलब सब होली खेल रहे हैं सामरी गोरी मतलब सावरी गोली मतलब की जो सावर है जो चेहरे से और जो गोरी है मतलब की गोरी है और दोनों लोग क्या कर रही हैं होली खेल रही हैं और अगला है कि हम तन लाग दीन जोरी मतलब हमारे जो है वो होली जो है एक प्रकार से होलिका के समान प्रतीत हो रही है वह जो होली के रंग है वो मुझे होलिका के समान प्रतीत हो रहे हैं मतलब की मेरे तन को जला रहे हैं आगे है आगे आपका है कि बौरे आब मतलब बौरे आब बांस महकाए मतलब कि आब आम मतलब होता है आम बौरे मतलब बउर गए हैं आम बउर गए हैं और बांस महकाए मतलब उसने पूरा का पूरा वातावरण बांस महका मतलब पूरा का पूरा वातावरण को महका दिया है किसने आम के बौर ने फूले कुसुम जाड़ दिखाए मतलब कि जाड़ा का महीना थोड़ा मतलब जाड़ा थोड़ा बढ़ गया है और कुसुम मतलब कि फूल जो है कुसुम जो है फूल ये सब क्या हो गए फूल आ गए हैं मतलब कि सभी जगहों पर पुष्प वगैरह पुष्पित हो गए हैं बंसी धुन औ बही भई और बौरे आम लतार मतलब बंसी की धुन बज रही है और बौर में मतलब आम में जो है बौर लग गया है लताएं सभी लोग खिल चुकी है मैं बौरी दौरी फिरो मतलब की मैं जो है बौरी मतलब होता है पागल सी और दौरी मतलब की दौड़ दौड़ करके फिर इधर उधर जाती हूँ सुन कोयल की तार मतलब भी मैं बांसुरी की धुन को सुनती हूँ तो भागती हूँ और जो है आम के वृक्ष को देखती हूँ इस प्रकार से मैं बावली हो गई हूँ पागल से इधर उधर भटक रही हूँ आगे देखिए कवित इसमें आप बता सकते हैं इसमें आप बता सकते हैं भैया इसमें बता सकते हैं कि होली का त्यौहार हिंदुओं की प्रखर सांस्कृतिक चेतना को प्रस्तुत करता है लेकिन शेख निसार मुसलमान होते हुए भी जो है होली में जो है यहाँ पर होली के चित्र मतलब होली के को बताते हैं और मुस्लिम पात्र को होली के त्यौहार से प्रभावित होते हुए दिखा करके उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व जन्म में किए गए पाप का जो होता है वह दुख अगले जन्म में आपको भेगना पड़ता है अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है श्रृंगार का चित्रण हुआ अनुप्रास यमक आदि उदाहरण आपको इसमें देख सकते हैं आगे देखते हैं लाग तुषार परे चहोर सखी या अंबुज देह ढरेगी ये ओ बिन रेने ही पहाड़ से कैसे अकेली है दुख सहेंगी ऊपर जाणा जनाब निशार ही बिराहा नल जो उले उलेहि मतलब बोले हेंगी बावरी सीतवरी फिरे ललिता सखी बावरी लता फिर कैसे रहेंगी कहती है यह क्या कौन कहती भैया जो जुलेखा है वह कहती है कि लाग तुसार परय चहु और सखी यह अंबुज देह ठएंगी मतलब क्या होता है तुसार मतलब पाला जुलेखा जो, जो है अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी चारों ओर पाला पड़ने लगा है यह पाला जिस प्रकार जो है अपने प्रकोप से सरोवर में स्थित कमल को नष्ट कर देता है लाग तुषार पर सखी यहा अंबुज दे ढरेगी अम्बुज मतलब होता है जो है कमल जिस प्रकार से यह पाला जो होता है कमल के पुष्प को क्या करता था ढह देता है ढहेगी अंबुज देह मतलब अंबुज का देह मतलब कमल की जो है देह ढहेगी हे सखी जिस प्रकार से यह पाला जो होता है कमल के पुष्प को जो है क्या कर देता है नष्ट कर देता है प्यों बिन रैन ही पहाड़ से कैसे अकेली दुख सहेगी इसी प्रकार से मेरे समान इस समय दुख है प्यों बिन मतलब की प्रिय के बिन रैन मतलब रात दुले ही मतलब की पहाड़ से मतलब ही प्रकार से होता है कि पहाड़ के समान जो रातें हैं वह कैसे जो है दुल्ही मतलब दुगना दुल्ही मतलब क्या होता है दुगुना दुगुना या अत्यधिक बड़ा दुख तो त्यों बिन दुले ही मतलब कि दूजो दुगुनी रात है मतलब बड़ी रात है या कैसे कटेगी प्रिय बिन पहाड़ सी रात जो है वह कैसे कटेगी अः कैसे अकेली हूं मैं इसलिए कैसे कटेगी इस दुख को मैं कैसे सहन करूंगी ऊपर जाड़ निसार निसार जी कहते हैं कि ऊपर तो जाड़ जो है निसार जी कहते हैं कि ऊपर जो से जो है ये जाड़ा या मतलब या पाला जो है क्या कर रहा है पाला जो है हमको दुख पहुंचा रहा है शेख निसार जी कहते हैं जो लेखा की स्थिति को विचित मतलब की अः इंगित करते हुए की एक तरफ जो है उसके हृदय में बिराह की अग्नि जल रही है दूसरे से क्या हो रहा है ऊपर से जाड़ा जो है उसे प्रतार कर रहा है पहला तो ऊपर जाड़ जना मतलब ऊपर जाड़ से मतलब ऊपर से मतलब की ठंडी का महीना है जाड़ लग रहा है बाला पड़ रहा है और ही मतलब हृदय से बिरा नल जो वो लहेंगी मतलब की बिरहानल क्या होता है कि बिरा अवस्था किससे ही मतलब हृदय से उखरी उसके अंदर उठ रहे हैं तो अंदर से ताप है अंदर से गर्मी है बाहर से मतलब अंदर से गर्मी बाहर से ठंडी तो छन छन एकदम से तावे पे पानी डालो कैसे छनकता है उसी प्रकार से इसे जो है जुलेखा का हृदय इस प्रकार से हो गया है कि तावा के समान तावे पानी डाल दो तो तावे पे जिस प्रकार से पानी पड़ता छनक जाती है उसी प्रकार से इसकी स्थिति हो गई कि इसकी जुलेखा की हो गई है मतलब कि ऊपर से पाला पड़ रहा है और अंदर से उसके ताप है बिराहा का बिराहा का ताप बौरी की बौरी सी दौरी फिरे ललिता सखी मतलब ललिता सखी मतलब सुंदर ललिता मतलब सुंदर सखी कामिनी सुंदरी बौरी से दौरी फिर ललिता सखी बौरी लता फिर कैसे रहेगी मतलब कहती है कि वह सुंदरी बावली होकर मतलब कि जो जो लेखा है शेख निसार जी कहते हैं कि वह इधर उधर क्या हो रही भटक रही है और क्या हो रही इधर उधर दौड़ रही है और अपने आप को जो है खो सुधि बिसरा करके इधर उधर दौड़ रही है ठीक ध्यान रखेंगे बौरी लता फिर कैसे रहेगी आगे देखिए भैया आगे आपका सोरठा है सोरठा शायद यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है देख लीजिए चौदी अगला लास्ट वाला सोठा आपका है लास्ट वाला सोठा यहाँ पर नहीं दिखाया है। देराज लिख है। लीजिएगा लिख लीजिएगा आपके लिए कि चौदीस बेल निशान चौदीस बेल निशान मतलब चौहिस बेल किसान चौदिस किसान काम आप जागा और रहे परान बान बेधे सदा जो लेखा अपनी स्थिति का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मुझे चारों दिशाओं में नगाड़ों की तीव्र आवाज सुनाई पड़ रही है मेरे हृदय में काम भावना स्वतः जागृत हो गई है और बिरा के बाद अनवरत मेरा भेदन कर रहे हैं इस स्थिति में मेरे प्राणों का बचना क्या है बड़ा ही असंभव लग रहा है इस प्रकार से कहती की जो है जो है चौदिस बेल निशान एक प्रकार से चौदी जो है एक प्रकार से क्या हो रहा है तब तब तमाम प्रकार चारों दिशाओं में क्या हो रहा है एक प्रकार से जो है एक प्रकार से बेल निशान मतलब होता है नगाड़ा बजने की आवाज बेल निशान जो है ब... किसान हमने बोल दिया था क्या निशान है जो है निशान बेल निशान मतलब होता है नगाड़ा बजने की आवाज चारों दिशाओं में नगाड़ा बज रहे हैं जो है होली का महीना तमाम प्रकार की चीजें हैं और काम वासनाएं जो होती है हमारे अंदर व्याप्त होती है जागा ही और कह रहे प्राण अब मेरे प्राण जो है इस, इस स्थिति में कैसे रहेंगे बिरा बाण तथा मेरे हृदय को हमेशा से आधारित करते हैं बिरा के बाण हमेशा हमेशा से मुझको क्या करते हैं घायल करते है इस प्रकार से वह क्या करती है इस प्रकार से वह अपने हृदय को जो जानती है कि हृदय उसका जो है एक प्रकार से बिरा के अग्नि से क्या हो रहा है प्रताड़ित हो रहा है और बिरा के बाण जो उसको जला रहे हैं कहती है चौदिस बेल जो है बेल चौदी बेल निशान और काम आप जागा ही कहीं विध रहे पराण विरा बान बेधे सदा बिरा के बयान हमेशा उसको जो है बेधते रहते हैं और उसके बाद में क्या हो रहा है वह कह रहे कि, कि, किस जो है आ, कैसे मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं जिस किस समय जब क्या हो रहा है कि चारों दिशाओं में नगाड़े की आवाज बन रही जिसके कारण से जो स्त्रियां होती उनके अंदर काम की भावना उत्पन्न होती मेरे मन में भी काम की भावना उत्पन्न हो रही है अब एक काम वासना कैसे मैं पूर्ण करूँ इस प्रकार की स्थिति को देख करके जुलेखा जो है अपने मन में तमाम प्रकार के विचार लाती है और इस प्रकार से अपने आप को प्राणों की आहूति देने के लिए तत्पर हो जाती है लेकिन मतलब एक प्रकार तत्पर हो जाती है, पढ़ेंगे, तो पूरा नहीं पढ़ना आपको बस इतना ही पढ़ना इतना था आपका यही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है तो जब आप लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में क्या होता है अपने पति को जब मिल जाते हैं यूसुफ वगैरह और पता चलता कि ये यूसुफ उसके पति सपने वाले नहीं है तो बाद में उसको छोड़ करके क्या करती है चली जाती है मतलब और जो है भगवान के प्रति कहती अगर मैं इतना प्रेम अपने भगवान से करती अल्लाह से करती तो मुझे क्या होता जन्नत मिल जाती मोक्ष मिल जाती इस प्रकार से कहानी कांत हो जाता है बस इतना जो है आपका सठ हिंदु वर्णन मतलब की छह ऋतुओं का वर्णन किया गया इसमें और छह ऋतुओं में स्त्री की बिरा वर्णन के बारे में बताया गया है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो कैसे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा